तो गाइज बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो हैं वो समझने के लिए हैं कि हम लोग बीम के अंदर कैरियर को कैसे बना सकते हैं, यानी बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग के ऊपर कैरियर। थोड़ी से मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में कैरियर हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन करने चल रहे हैं। बेसिकली गाइज क्या बोलते हैं, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग होती क्या है ये समझो, ठीक है। मॉडलिंग आप पहले भी करते आए हो, कोई ये नया मॉडलिंग नहीं है। बीआईएम का मतलब होता है सर गाइस, जो आप ऑन साइट चीजें करने वाले हो, जो चीजें आप ऑन साइट करने वाले हो उन्हीं चीजों को, जो चीज ऑन साइट करने वाले हो उन्हीं चीजों को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करने से अपने मॉडल को इंटेलिजेंट बना दीजिए, अपने मॉडल को इंटेलिजेंट बना दीजिए। इसको बोलते हैं बीआईएम, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आप लोग कपड़े उपड़े खरीदने गए होंगे, शर्ट वगैरह, गर्ल्स वगैरह भी अपने ड्रेस वगैरह खरीदने गए होंगे, तो कपड़े खरीद जब गए होंगे कि बाहर एक स्टैचू खड़ा रहता है। बाहर क्या रहता है गाइस, एक स्टैचू खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो स्टैचू क्या है, वो भी तो 3D मॉडल है ना, ठीक है। और आपने एक रजनीकांत की रोबोट भी देखी होगी, ठीक है, वो भी एक एक तरीके से क्या बोलते हैं 3D मॉडल ही तो है। लेकिन रोबोट और वो जो बाहर कपड़े की दुकान के बाहर जो स्टैचू खड़ा है, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो जो कपड़े की दुकान के बाहर स्टैचू खड़ा है वो केवल एक मॉडल है, और जो एक रोबोट मूवी जो देखी आपने रजनीकांत की, वो एक इंटेलिजेंट मॉडल है। क्या है गाइस, वो एक इंटेलिजेंट मॉडल है। अभी रिसेंटली मैं कोई एक मूवी का क्लिप देख रहा था, मुझे पता नहीं कौन सी मूवी, अगर आप लोग बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। एक मूवी थी गाइस शाहिद कपूर की और कृति सेनन की, उसका कोई क्लिप हमने देखा था। तो जिसमें जो क्या बोलते हैं कृति सेनन है, कमेंट करिएगा अगर किसी को पता होगा, तो कृति सेनन जो है वो एक रोबोट है, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, माइक ऑन करके बताने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है गाइस, बेसिकली ये है कि वो एक क्या है, एक 3D मॉडल है जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि क्या है, इंटेलिजेंट है। तो अपने बिल्डिंग्स को इंटेलिजेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड बीआईएम, ठीक है। अपने बिल्डिंग को इंटेलिजेंट, क्योंकि मॉडल तो आप पहले ही बनाते थे ना, दुकान के बाहर आपका मॉडल रहता था स्टैचू के रूप में, वो अभी भी है, लेकिन वो क्या है, वो केवल एक मॉडल है, बट उसी मॉडल को इंटेलिजेंट। आप बोलोगे सर कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, तो उसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उसके अंदर आप रेनफोर्समेंट ऐड कर दिए, उसको कोलेबरेट कर दिए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एमईपी की फाइलों को एक कर दिए, आपने उसके हर एक मटेरियल का एस्टिमेशन निकाल दिया, आपने प्लास्टर की थिकनेस निकाल दिया, आपने टाइल्स की थिकनेस, टाइल्स की क्वांटिटी निकाल दिया, सब कुछ एक ही फाइल के अंदर आ, उसी को इंटेलिजेंट बनाते चल जा रहे हैं। आपने उसके अलग अलग सेक्शन एलिवेशन वगैरह काट दिए, मतलब पूरे मॉडल को इंटेलिजेंट करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसका ये तो छोटा सा लेवल बता रहा हूँ। बहुत आगे तक उसको आप जितना इंटेलिजेंट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बीआईएम। उसके अंदर अलग अलग एलओडीज होती हैं, अभी उधर नहीं जा रहे। तो इसके लिए गाइज हम लोग आपको एक प्रोग्राम ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीआईएम गुरुकुल, ठीक है। जिस प्रोग्राम में मैं कुछ नहीं करता हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहता है गाइज, ठीक है। कैसे, अब बोलो सर फिर आपका क्या काम रहता है, ठीक है। तो गाइज आपका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहता है उसके अंदर, उसके अंदर मैं आपको एक पाथ बताता हूँ कि इस पाथ से चलना है, और अगर आप इस लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इस लेवल तक अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आराम से आप बीम के अंदर कैरियर बना सकते हैं। किस तरह के मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैट टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट एवरीथिंग इंक्लूड इन दैट कोर्स। उसके अंदर हम लोग ये भी आपको बताते हैं कि देखो भाई एचआर इंटरव्यूज में क्या पूछे जा सकते हैं, कैट इंटरव्यू में क्या पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल टेस्ट में क्या पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टर राउंड में क्या पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ है, ठीक है। थोड़ी सी टफ मतलब इसमें एडमिशन लेना तो बड़ा आसान है, बट इसके अंदर गाइस क्या होता है कि डेली आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का वर्क करना पड़ता है। प्लीज अभी कोई ग्रुप शेयर कर रहे हो तो मत शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा। जितने लोग आ गए वो पंचुअल लोग हैं, अभी बहुत ज्यादा किसी को शेयर मत करिए कि प्लीज अगर कोई शेयर कर रहा है तो मत करिए, क्योंकि वो टप 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 मजा नहीं आता, रिलैक्स होके बस सुनिए बस। तो गाइस बीम के अंदर जो कैरियर बनाना होता है, आज के टाइम में बीम का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बहुत ज्यादा स्कोप, रीजन उसका ये है क्योंकि बीम अभी हर कोई चाह रहा है कि हमें चीजें रियलिस्टिक दिखे। आज आप फ्लैट लेने अगर जाओगे, बिलीव करिए आपको फ्लैट आज दिखाएंगे और कंस्ट्रक्शन का आपको देंगे, पोजीशन कब देते हैं, पोजीशन देंगे 2026 में, 2028 में। अब 2028 में कोई पोजीशन दे रहा है और प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 80 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए, अब कोई देना चाहेगा क्या?
नहीं देना चाहेगा। क्यों पता नहीं, 2026 में आप कैसा बना के हमको देने वाले हो, मॉडल अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा, क्या गारंटी है, बिल्डिंग अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, क्या गारंटी है उसका, इस तरीके की समस्या आपके साथ हो सकती है। तो कैसे बिल्डर लोग कैसे पैसे कमाएं, वो अपनी कंपनी को कैसे ग्रोथ दें, क्योंकि बिल्डर क्या करते हैं, जो आपका पैसा आ रहा है उसी पैसे को डालते जाते हैं, और जनरली लगभग सारे बिल्डर्स उसी से कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा जी, तब तो उनका पूरा बिजनेस ही नॉर्मल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको तो पैसे ही नहीं आएंगे। तो बिल्डर लोग अभी क्या कर रहे हैं गाइस, बिल्डर लोग एक बढ़िया बीम मॉडल तैयार करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे उनको काम करवाने में भी आसानी हो रही है, क्लाइंट को अप्रोच करने में और ज्यादा आसानी हो रही है। कैसे, आपको अगर क्या बोलते हैं, ये फील करा दिया जाए बैठे बैठे कि भैया देखो, आप जो अपार्टमेंट लोगे, जो भी फ्लैट खरीदोगे, वो फ्लैट कुछ ऐसा दिखेगा, इसका बालकनी कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम रियलिस्टिक मॉडल आपको दिखा दिया जाए कि उसका बालकनी में आप बैठेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये चीज ऐसी दिखेगी, वॉक थ्रू दिखा दिया जाए कि गार्डन ऐसा दिखेगा, आपका बच्चा यहाँ पे एक छोटा सा प्ले स्कूल होगा, यहाँ खेलेगा, आप सुबह सुबह जिम यहाँ पर जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, भले ना जाओ लेकिन जिम यहाँ जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, ये स्विमिंग पूल रहेगा, आपको एक तरीके से पूरा फीचर्स जो है मूवी के फॉर्म में अगर दिखा दिया जाए, किसके फॉर्म में गाइस दिखा दिया जाए, मूवी के फॉर्म में दिखा दिया जाए, तो बड़ा जल्दी आप सोच लेते हो कि हाँ यार ये सही चीज है, और ऐसा मुझे अगर मिलने वाला है तो मुझे 80,000 या 80 लाख या फिर 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो चलिए हम पार्ट में बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं किसी को, ठीक है। तो दैट इज द रोल ऑफ बी मॉडल नाउडेज। इसके वजह से अभी मैं देख रहा हूँ हर एक बिल्डर्स, क्योंकि मैं विजिट करता रहता हूँ, हर एक बिल्डर्स लगभग लगभग बी मॉडल अपना बनवा रहे हैं, उससे स्कोप बढ़ रहा है। इतना ही नहीं कि केवल उससे क्लाइंट को अप्रोच करने में तो हो रहा है, इसके अलावा काम करने में बड़ा आसानी हो रहा है, क्योंकि गाइस जब चीजें रियलिस्टिक दिखती हैं, जब चीजें रियलिस्टिक दिखती हैं तो फिर उन चीजों को बनवाना बड़ा आसान हो जाता है, उस पर काम करना बड़ा आसान हो जाता है। मैंने अपने मेरे मेरा छोटा सा घर पे काम चल रहा था, तो मैंने अपने फादर को समझाया कि इधर की तरफ साउथ की तरफ 12 फीट आप आ जाइएगा, और क्या बोलते हैं, ईस्ट की तरफ 10 फीट आ जाइएगा, और इस तरीके से करके लेआउट को तैयार कर दीजिए। मैं फोन पे समझा रहा हूँ, मुझे पता है उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि अब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाएगा। 2 मिनट लगा, मैंने उसको रेबिट के ऊपर एक मॉडल ड्रॉफ किया 2 मिनट में कि ये बाउंड्री यहाँ जाएगी, ये बाउंड्री यहाँ जाएगी, ये आपका एलिवेशन है, करेंट सिचुएशन ये, फोटो भेज दिया, फोन नहीं आया। क्यों, समझ में आ गया, मतलब जब रियलिस्टिक वे में किसी चीज को देखा जाता है तो ऑलरेडी वो समझ में आ गया, लोगों ने काम अपना करा लेते हैं। इसीलिए आज के टाइम में बीम का जो स्कोप है वो धीरे 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 गाइस बढ़ रहा है। दूसरी एक रीजन है बीम का स्कोप बढ़ने का, वो ये है कि अभी फॉरेन के बहुत ढेर सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में काम करा रही, क्योंकि इंडिया में डेफिनेटली आपको पता है या नहीं पता है जान लीजिए, यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यहाँ पर बहुत कम सैलरी में हम सब काम करते हैं। आपको लगता होगा कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का पैकेज बहुत ज्यादा है, बट आज के खर्च के अकॉर्डिंग अपने घर वालों से पूछिएगा, ये बहुत छोटा सा पैकेज हो चुका है, ठीक है। तो इंडिया में अभी भी लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है, इसलिए अभी कई ढेर सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, इंडियन कंपनी से टाई अप कर रही हैं या फिर अपना ब्रांच ही यहाँ डाल रही हैं। अभी एक कंपनी है बर्किन आर्किटेक्ट, वेस्ट बंगाल की, अगर आप सबको कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल की है बर्किन आर्किटेक्ट, अभी उन्होंने वेस्ट बंगाल में ब्रांच डाल दिया अपना। अभी उनके जो ऑनर है वो आए हुए थे, तो मेरा एक स्टूडेंट है सुभाषीष, पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है, तो सुभाषीष फोटो डाला था वो स्टेटस अपना, मिला उला था। तो मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, बेल्जियम से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भेज रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है वेस्ट बंगाल में एक कम सैलरी पर, अब कम सैलरी मतलब उस बच्चे की सैलरी 32,000 रुपए है, आपको लगेगा अच्छी सैलरी यार फ्रेशर के रूप में, बिल्कुल यहाँ के अकॉर्डिंग अच्छी सैलरी है, बट बेल्जियम के अकॉर्डिंग वो बहुत सस्ती पड़ रही है उनको लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो वहां से वो प्रोजेक्ट भेजते हैं, उनका एक आदमी यहाँ पर रहता है और यहाँ के लोगों को लीड करके प्रोजेक्ट करवाता है, भेज देता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, इसी तरीके से अब ये धीरे 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 बीम बूस्ट होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, और तो बीम में हम लोग का कैरियर धीरे धीरे बेहतर होता चला जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो गुरुकुल है अपना, इस गुरुकुल में क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा, आपको गुरुकुल के बारे में बता देते हैं। गुरुकुल में गाइस जनरली हम लोग इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवा देते हैं आपको, कैसे, मॉक इंटरव्यू हर हफ्ते होता है, तो आपका इंटरव्यू का जो डर होता है खत्म। क्यों, हर हफ्ते पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हर हफ्ते पूछा जाएगा व्हाट इज एलओडी, हर हफ्ते पूछा जा सकता है स्कैन टू बीम क्या होता है, और केवल एक लोग से नहीं पूछा जा रहा है, वहां कम से कम आपके बैच में 30 बच्चे होंगे, एक बच्चे से 5 क्वेश्चन पूछा गया, 30 बच्चों से 150 क्वेश्चन,
हर मंडे को आपको नए नए मिल जाते हैं। और अगर आपने 3 महीना भी सही से मेहनत कर लिया, वैसे तो 4 महीने का है, 3 महीना भी सही से मेहनत कर लिया, स्वाभाविक सी बात है आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि इंटरव्यू का तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। उसके बाद गाइस इसके अंदर हम लोग क्या करा देते हैं, आपको कैट टेस्ट दे देते हैं। कैट टेस्ट मतलब एक समय रहेगा, उस समय के अंदर इस मॉडल को आपको कंप्लीट करना रहेगा, जो कि हर 15 से 20 दिन पर एक बार आपका कैट टेस्ट होता है। और एक अच्छी चीज़ क्या है, अभी हमने इंक्लूड कर दिया रिटन टेस्ट। याद तो है, कितना याद है चलो देखते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, लिख के जब आंसर करते हैं तो वो चीज़ यहाँ नहीं रहता, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भूलेगा ही नहीं, व्हाट इज बीईपी भूलेगा नहीं, व्हाट इज कैंट बीम भूलेगा नहीं, व्हाट इज कोबी वो भूलेगा ही नहीं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए नहीं है। पहले कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद बताता हूँ, जरूर सबके क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ही रिस्पेक्ट है, आप लोगों ने अपना समय दिया है तो आपके समय में बहुत कुछ आप लेके जाओगे मान के चलो। तो बेसिकली गाइस इसके अंदर आपको हम रिटन टेस्ट, कैट टेस्ट और जो आपका टेक्निकल टेस्ट है, तीनों की तैयारी। और टेक्निकल में एचआर भी ऐड कर देते हैं, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाई शुड आई हायर यू, इस तरीके के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस का पूरा सेट है जो आप तैयार कर लेते हो। और इसके अंदर क्या कराते हैं गाइस, इसके अंदर मेरा काम बहुत कम है, आपका काम ज़्यादा है। रीज़न ये है कि आपको मैं प्रोजेक्ट दे देता हूँ, आपको घर से करके लाना है। और बड़ा समस्या ये है कि एक इंसान की एक बड़ी फितरत है गाइस, जितना अगर आप लोगों को खुद ही रियलाइज होता होगा कि आप लोग का अगर कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, तो कोई पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, अगर एग्जाम नहीं है आप बोलोगे सर नहीं मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ते होगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिए तो उसको पढ़ाई मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, पढ़ाई मतलब ठीक से। और वहीं पर जब आपका कोई टेस्ट रहता है या फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर रहता है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी पता है ये चीज़, जब कोई प्रेशर रहता है तो बहुत फोकस होकर उनको काम करना पड़ता है। और अपने गुरुकुल में यही होता है। ठीक है, जो लोग आए उनको डेली एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, दूसरे दिन उस प्रोजेक्ट में जो गलती हो रही है मैं खड़ा रहता हूँ आपके साथ, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, फिर न्यू प्रोजेक्ट। अब इसको जो कंसिस्टेंट है, जिनके अंदर है कि नहीं कुछ बड़ा करना है, वो तो फोकस होके अच्छे से ट्रेनिंग कर लेते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। और अगर कोई किसी वजह से ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं किया, स्वाभाविक सी बात है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कोई बोले कि नहीं नहीं हम 100% रिजल्ट, ये सब फ्रॉड वाली बातें हैं। ठीक है, मेरा जो अपना ये जो यूनिक सिविल है गाइस बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अपने यहाँ पर बहुत ढेर सारे ओल्ड स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबको पता है कि सर जो रहेगा जेन्युइन वही बताते हैं। तो जेन्युइन यही है कि अगर आप 100% मेहनत कर गए, वैसे तो मैं 80% मेहनत मिनिमम मांगता हूँ, अगर 100% आप मेहनत कर गए तो ये समझ जाइए कि आप गुरुकुल के अंदर किसी न किसी कंपनी में जाएंगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उस इंटरव्यू के जो नर्व्स है, ठीक है, वो मुझे पता है, वो क्या पूछते हैं ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं उसकी पूरी प्रिपरेशन आपके साथ यहाँ पर करा देता हूँ। उसके अलावा ये जो अपना ट्रेनिंग होता है गाइस, ये 1.5 घंटे का होता है लाइव, जिसमें आधे घंटे स्टार्टिंग के मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ। हर दिन नए टॉपिक, जैसे कि कॉलम के बारे में, बीम के बारे में, स्कैन टू बीम के बारे में, कैट टू बी आई एम, बी एम 360, जितने कॉन्सेप्ट हैं ये पूरा 4 महीना पढ़ाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आधा घंटा रहता है, इसमें मैं आपको डेली प्रोजेक्ट देता हूँ, तो डेली आपके प्रोजेक्ट को चेक करता हूँ, जो उसमें एरर्स रहते हैं वो फिक्स करता हूँ उसी समय पे। और लास्ट का जो आधा घंटा होता है ये मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आपको घर से एक लेक्चर भी वॉच करके आना पड़ता है जो कि वीडियो फॉर्म में रहता है, तो कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क। ठीक है, इस तरीके से रहता है। लेकिन इसको करने के लिए किसी के पास अगर 4 से 5 घंटे का समय नहीं है तो मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 से 5 घंटे का समय नहीं है तो बेनिफिट ही नहीं होगा आपको। ठीक है, तो 4 to 5 आवर्स अगर आपके पास है, क्योंकि डेली प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या ही करूँ पाऊंगा। ठीक है, मैं गूगल मैप हूँ, जो कि मुझे पता है कि यहाँ से लेके आपके जो जहाँ पर आप हैं वहाँ से लेके कंपनी तक की तैयारी का रास्ता क्या है ये मैं बता दूंगा। अब आप उस रास्ते पर गाड़ी न चलाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा काम है रास्ता चलाने का, क्योंकि अभी अपने ढेर सारे स्टूडेंट, अगर आप लोग कभी भी किसी भी एमएनसी को सर्च करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, हर एमएनसी में आपको हमारे गुरुकुल का स्टूडेंट मिलेगा। ठीक है, रीजन क्या है गाइस, यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाओगे, कवर लेटर बनाओगे, एमएनसी में कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होंगे वो रिज्यूम्स आपको तैयारी करवाता हूँ, इस तरीके की सारी चीजें, पूरी ट्रेनिंग है इसके अंदर। आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर कौन सा सिखाते हैं, जितने भी बीम के अभी करेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहे हैं वो सारे हैं, रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी, इवन ऑटो कैड भी सिखाता हूँ बेसिक्स, हम माउस पर हाथ सेट करने के लिए। उसके बाद गाइस इसके अंदर आपका टिकला है, नेविस वर्क है, ठीक है, स्केचअप है, ये सारे सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो रहा मेरे साइड से,
अब मुझे पता है आपके अंदर एक जबरदस्त अंदर से हो रहा होगा, जल्दी जल्दी सर मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं मैं जाऊं। तो अब आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक हैंड रेज बटन है, आराम से पूछिएगा, जल्दबाजी नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस को पूछिए, कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का जो जेन्युइन आंसर हो सके वो हमारे तरफ से जाए। ठीक है, हैंड रेज कर लीजिए। जिसको जिसको प्रश्न पूछना है अपना प्रश्न पूछिए कि सर मेरा करियर ऐसा है, मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, एवरीथिंग। हैंड रेज कर लीजिए अपना। ठीक है, चलिए माइक मत ऑन करिएगा, इस हम बोलेंगे तब माइक ऑन करिएगा, अभी सिर्फ हैंड रेज करके रखिए। हैंड रेज करने का ऑप्शन ऐसे बना हुआ है। ठीक है, एक एक करके सबके डाउट को चाहे 11 बजा दो, आपके जितने डाउट होंगे सॉल्व करके तब जाएंगे आगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कमेंट बॉक्स में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये बोल सर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग्स में मीटिंग करा लीजिए किसी दिन प्लीज। ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का ऑलरेडी बैच चल रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है दोस्त, फिलहाल आप बोलते हो तो मैं जरूर करा दूंगा। सर एमएनसी में स्विच करूँ तो लिंक्डइन पर एम्प्लॉय से बात करना शुरू करा है, बहुत सुंदर। इंटरव्यू में अगर आप क्या बोलते हैं परफॉर्म अच्छा करना चाहते हो, अच्छे एमएनसी में बात करना, मेरा एक पूरा सेशन ही है गाइज कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाए, अट्रैक्टिव प्रोफाइल। आपके लिंक्डइन पर कोई एचआर आ जाए तो उसको लगे कि आप सही जगह आ गए हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये एम्प्लॉय बेस्ट है। ठीक है, तो उसको पूरा तैयार करना पड़ता है। नहीं, स्ट्रक्चर का अभी 4 महीने बाद, 3 महीने बाद बैच स्टार्ट होगा, अभी जस्ट आज ही तो स्टार्ट हुआ है स्टेट प्रो, तो अभी आगे नहीं जा सकते हैं आरएस। ठीक है, आप बहुत एकदम अभी जस्ट आज ही स्टार्ट हुआ है स्टेट प्रो, तो अभी तो नहीं, 4 महीने बाद। चलो भैया रोहित पाटिल जी का क्वेश्चन पूछते हैं पहले। रोहित पाटिल जी बोलिए। रोहित अपना क्वेश्चन रख लो दोस्त। अच्छा, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं क्वेश्चन रखा है, सर आई एम वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर G+I ईयर तक के लिए, मेरे बीम आपके लिए ही बीम सबसे अच्छा है। रोहित अगर कोई भी साइट पर जॉब कर रहा है तो इस समय देखिए मेरे पास तो स्ट्रक्चर की भी बैच चल रही है, BIM की बैच चल रही है, बट अगर आपने साइट पर जॉब किया हुआ है या कैरियर गैप है या फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह की प्रिपरेशन किया हुआ है तो बेटर होगा कि आप BIM में जाएं, क्योंकि BIM में जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं इस समय पर, ओपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, पैकेज भी बहुत अच्छा है। बट एक बहुत छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा, क्रिएटिविटी भी आपको चाहिए आपके अंदर। ठीक है, क्रिएटिविटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी अगर अच्छी रखेंगे तो तभी बीम के अंदर अच्छा हो सकता है। चलिए रहीम आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए दोस्त। रहीम मैं सर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बोल रहा था। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, साइट के लिए बहुत पूछ रहा हाँ था। पूछो पूछो, कॉन्ट्रेक्टर हो तो साइट के लिए क्या पूछ रहे थे दोस्त? कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइट कैसे कंपनी में बात करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस चीज के लिए। इसका एक लंबा प्रोसीजर है बट आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसका आपने ऑफिस खोला हुआ है अपना? जी सर वो हाँ ऑफिस है, घर है वो, इस टाइम तो मैं साइड पे हूँ, घर पे अपना ऑफिस ऑफिस सब सही है। आपको प्रोजेक्ट्स लेने हैं राइट, जी ऑन साइट मतलब एग्जीक्यूट करने के? जी 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 ओके ठीक है। आपने अभी कुछ प्रोसेस किया, कुछ स्टार्ट किया? हाँ सर, मेरी अभी लगभग 3-4 साइटें चल रही हैं, एक तो उड़ीसा में है और एक बक्सर में और इधर अपने हरियाणा में चल रहा है। ओके ठीक है। तो अभी देखो इसमें अच्छी बात है, इसको और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए आप इंडिया मार्ट और जस्ट डायल पर हैं? इंडिया नहीं, इस चीज पे नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंडिया मार्ट पे और क्या बोलते हैं जस्ट डायल पर खुद को फर्स्ट से रजिस्टर करो। ठीक है, वहां से क्या जी होगा आपको तुरंत क्राउड मिल जाएगा आसपास के लोगों का जो लोग कांटेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद आप क्या बोलते हैं कांटेक्ट करने के साथ ही साथ उनसे, अभी क्या आपके पास में कुछ आर्किटेक्ट और कुछ सिविल इंजीनियर्स कांटेक्ट में है क्या? हाँ सर, 2-4 सिविल इंजीनियर हैं और तो हाँ बाकी ज्यादा इतना भी नहीं है। हाँ उनसे कांटेक्ट बनाइए रही, और कांटेक्ट बना के एक से कांटेक्ट बनाइए, उससे पूछिए कि क्या मुझे और भी, इसका पूरा प्रोसेस है मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि यहाँ लोग BIM के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं। बट जी प्रोसेस ये है कि एक सिविल इंजीनियर से पूछिए कि यार आपका कोई फ्रेंड है क्या रेफरल, ठीक है उसके पास जाइए, उससे तीसरे के पास जाइए, अब इन तीनों को कांटेक्ट दे दीजिए कि आप अगर हमें देते हैं परसेंट आप प्रोजेक्ट तो ये कुछ एक्स अमाउंट है जो मैं आपको शेयर करूंगा। और थोड़ा सा अपना ऐसा प्रोफाइल बनाइए कैटलॉग कि आपने जो अभी तक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हों उनका एक प्रॉपर कैटलॉग ले लीजिए, और वो कैटलॉग लोगों को दिखा सकें कि देखिए मैं इस तरीके का काम करता हूँ, ये आर्किटेक्चर डिजाइन थी और मैंने इस तरीके से इसको बना के दिया था। ऐसे अगर क्लाइंट्स को आप करेंगे पुश तो बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर आप ज्यादा चाहेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी उस पर जाऊंगा तो पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन है, ग्रोथ कर सकते हो, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ठीक है, बट अभी उधर नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा सा बीम के बारे में लोगों को बताने देते हैं। ठीक है जी जी ओके जी।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कौन, हैंड रेस कर लीजिए। सिंह जी, यदवीर सिंह जी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट मत करो, ठीक है। अपने सिचुएशन को रखो, क्योंकि कल को इंटरव्यू में रखना है अपने सिचुएशन को, ठीक है। तो जैसे कि अभी अजुल इस्लाम जी पूछ रहे हैं, सर आई हैव 9 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड बिलिंग ऑटोकैड एस्टिमेशन एमएस प्रोजेक्ट, अरे वाह, ठीक है, फॉर लाइट वर्किंग, व्हाट इज द बेटर ओपिनियन, आई हैव इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर्स में ही जाना चाहिए दोस्त, इसमें आप ई टेप्स के साथ सेफ सीख लो, और क्या बोलते हैं स्टैट अगर सीख सकते हो तो और अच्छा रहेगा। आप पूरा स्ट्रक्चर्स का इन्वायरमेंट तैयार करो, और साथ में एक सॉफ्टवेयर का हेल्प ले लो दैट इज कॉल्ड ऑटो कैड। तो आप पूरा पैकेज हो जाओगे, सॉरी रेविट, तो उसे पूरा पैकेज हो जाओगे कि आपको प्लानिंग भी आ रही है, मॉडलिंग भी आ रहा है, एनालिसिस भी आ रहा है, आप पूरा पैकेज, और फिर उस पैकेज को सोचिए कैसे आप बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। सर क्वालिटी में जॉब कर रहा हूँ पुणे में, बीम सीखना, जॉब क्वालिटी में अगर जॉब कर रहे हैं तो बीम सीख लीजिए, और बीम में ही करियर बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा अमित। क्योंकि क्वालिटी का एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरे कई दोस्त क्वालिटी में काम करते हैं, मुझे पता है, क्वालिटी में एक टाइम के बाद ग्रोथ नहीं है, आगे क्या, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है क्वालिटी वाले दोस्तों के, मेरे कई दोस्त हैं जो क्वालिटी में काम कर रहे थे, अभी परेशान है कि यार मूव करूँ तो करूँ कहाँ, क्योंकि क्वालिटी का एक लिमिट भी है, इतना तक सैलरी, तुमको पता ही होगा अमित ये चीज़, ठीक है। और क्या बोलते हैं ग्रोथ भी एक टाइम पर फिक्स हो जाता है, तो बेटर है कि बीम में स्विच कर लो, कि बीम में क्या है कि लंबा कैरियर जाता है, ऐसा कोई भी कैरियर होगा इस जो लंबा जाए, आप उसमें कैरियर बना लीजिए आंख बंद करके, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हेलो हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? यस सर, यदवीर सिंह पूछिए। सर मेरी एक बार सर आपसे बात हुई थी अच्छा रिगार्डिंग गेम, जिसमें सर ब्रेक कर रहा था जब आप सर लॉन्च करो बैच, ओके। तो अभी मैं एज ए बिल्डिंग इंजीनियर अपॉइंट हूँ, ओके। तो इस बिजी शेड्यूल में से भी टाइम मैं निकालना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज ना घर घर आ गई, मतलब मुझे लग रहा है माइक वगैरह का कुछ है, क्लियर नहीं हो पाया। तो बिलिंग में काम कर रहे तो समझ आ गया। सर मैं हाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ आप बिल में। करेक्ट, जी सर, तो कर लो, अच्छा है ना, 16 अप्रैल से बेहतर कर लो, और अपना ये रात में 10 से 11:30 बैच का टाइमिंग रखा है, बहुत अच्छा है। क्यों, आप कोई जॉब भी कर रहे हो गाइस, तो आपका जॉब डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, और मैं हमेशा जनरली टाइम ही ऐसे ही रखता हूँ जो टाइम नाइट का हो, जिससे कि जॉब वाले लोगों को समस्या ना हो, मेरे पास सारे लोग जॉब वाले ही रहते हैं, प्लस क्या अभी बोलते सर हैं। मैं वर्किंग हूँ एक वाटर प्रोजेक्ट में एज ए बिलिंग इंजीनियर। हाँ मुझे याद आ गया, आपने कॉल किया था, मुझे याद आ गया, ठीक है। जी सर, आप कर लो यादवीर, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बीम में कैसे होता है कि बीम में कैरियर बड़ा है, लंबा है। क्यों, बी मॉड्यूलर से स्टार्ट कर रहे हो, बी मॉड्यूलर के बाद बीम क्या बोलते हैं आप इंजीनियर बन रहे हो, उसके बीम लीड बन रहे हो, बीम स्पेशलाइज्ड बन रहे हो, बीम मैनेजर बन रहे हो, ठीक है, बीम सीनियर मैनेजर बन रहे हो, बीम में प्रोफाइल की कमी नहीं है। उसके बाद एपीआई डेवलपमेंट कर रहे हो, फिर अपनी कंसल्टेंसी भी खोल सकते हो, तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें लर्निंग बहुत है, और प्लस अभी ये तो बीम का एक पार्ट अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी जो दूसरा पार्ट खुला ही नहीं है बीम का, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है बीम का, बीम स्ट्रेटजी, जिसपे अभी इंडिया में जॉब अभी नहीं आई है, आने वाली है, ठीक है। तो बीम स्ट्रेटजी पर भी बहुत ढेर सारी जॉब्स निकलेंगी, जो कि आप तब तक में एक्सपीरियंस भी रहोगे और आपके लिए बेहतर भी रहेगा। कुल मिला के बीम में फ्यूचर है, ठीक है दोस्त। चलो ओके जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आरएस का, ले लेते हैं फिर आशीष का ले लेते हैं क्वेश्चन। यस आरएस बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड, आवाज आ रही है? यस यस बिल्कुल आ रही जी। हाँ सर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कमेंट्स देख के बता रहे थे कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लेट हो जाते हैं, हाँ मैं सर 29 एज हो गई मेरी, करेक्ट, और 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, हेड ऑफिस संभालता था, प्लानिंग हाँ मैनेजमेंट वगैरह का काम था मेरा, साइट संभालता था ऑफिस में बैठ के, हाँ ऐसा सब काम था। करेक्ट, अभी रिसेंटली ये है स्टेटस की स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मैं पढ़ा भी बहुत हूँ, स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, ये सब बड़ा अच्छा है, हाँ तो इंटरेस्ट भी काफी उसमें है। बट करेक्ट, जैसा कि आप जान रहे कि इतना गैप हो गया, तो अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, स्ट्रक्चर में जाऊं या बीम में जाऊं, इजी कौन सा होगा मेरे लिए, कौन सा देखो पाथ ज्यादा सही रहेगा? लॉन्ग टर्म में तो दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। आज जो लोग बीम, जो लोग एक पाथ पर हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में पुश उन्हीं का होगा जो मल्टी स्किल्स वाले लोग होंगे। स्ट्रक्चर अब प्लस यस बीम। ठीक है, कभी भी जब तुम देखना 20-25 लाख के आसपास वाला पैकेज रहेगा, 20 से 25 के आसपास, तो उसमें वो देखेंगे जी जी स्ट्रक्चर भी आता हो और बीम भी आता हो।
हमेशा, ठीक है? तो बट अभी के लिए अगर तुम बोल रहे हो तो अभी के लिए देखो दोस्त, आप खुद डिसाइड करो, ठीक है? मैं डिसाइड करूंगा तो गलत हो ओके जाएगा, और गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है ना। तो अगर स्ट्रक्चर्स में आप कर रहे हो तो नो डाउट स्ट्रक्चर में थोड़ी सी स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, बट अगर आपके लिए सैलरी मैटर नहीं करता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि एक स्ट्रक्चर में, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे शिवराज ने पूछा है कि हाईएस्ट सैलरी बीम में रहेगी कि स्ट्रक्चर्स में, तो इनका क्वेश्चन ऐसा है बीम में क्या रह सकती है, तो बीम में 5 साल के बाद आप 20 लाख 25 लाख का पैकेज ले सकते हो। बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे हो, और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, आप ambition.com पे चले जाइए, glassdoor.com पे, वहां पर सर्वे में मिल जाएगा आपको ये चीज। तो बीम में आपको पैकेज ज्यादा मिल जाता है, उसका रीजन भी है। रीजन क्या है? एमएनसी, ठीक है? जब बड़ी कंपनी होगी तो उसका पैकेज बड़ा होगा, और जो मतलब एमएनसी जो सैलरी अच्छी देती हैं, तो स्ट्रक्चर के कंपेयर में बीम में सैलरी अच्छा है। बट हाँ, अगर आपको अपना काम स्टार्ट करना है तो आई सजेस्ट कि आप स्ट्रक्चर्स में करियर बनाइए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 5-10 हजार ही मिले, 12 हजार ही मिले, कर लीजिए अगर आपका एक अपना है तो। बट अगर आपको है कि नहीं सर, मुझे अभी तो करियर में थोड़ा सा पैसे कमाना है, घर वालों को सपोर्ट करना है, तो बीम एक अच्छा ऑप्शन होगा, जिसमें पैसे आपको अच्छे मिल जाएंगे, जॉब जल्दी मिल जाएगी। आप बोलोगे सर जॉब घर जल्दी वालों क्यों को मिल जाएगी, सपोर्ट। हाँ जॉब जल्दी क्यों भले मिल जाएगी, ये भले मैं सर जॉब जल्दी क्यों मिल जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है गाइस कि क्योंकि बीम में हर लेवल का काम है, जैसे कि बीम मॉड्यूलर के लेवल का काम है, ठीक है? बीम में और भी अलग अलग प्रोफाइल्स के काम है, तो बीम में जॉब जल्दी लग जाती है, ठीक है? इसलिए बीम पैकेज वाइज अच्छा रहेगा। बोलो और कुछ? ठीक है सर, समझ गया मैं। घर वालों को सपोर्ट करना ऐसा कुछ तो नहीं है, आगे जाके अपना बिजनेस का ही प्लान है एक्चुअली, तो हाँ उस हिसाब से तो स्ट्रक्चर ही ज्यादा यस सही लग यस रहा है। ठीक है, आपने एक बार सही मैं सर कहा। अलग से इसके लिए आपको मैं कॉल में एक बार डिस्कशन हाँ करूंगा, कोर्स कोई में तो दिक्कत लेना है नहीं, स्ट्रक्चर में। ओके ओके सर, चलेगा। थैंक यू। ओके जी, आशीष कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, फिर कुछ लोग के क्वेश्चन है उनको भी रखते हैं। यस आशीष बोलिए। सर मेरे सर 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने लिख रखे हैं। ओके जैसे मतलब ये है कि जैसे बीआईएम, मतलब मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो बीआईएम मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है? और एक्चुअल में मेरे मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मुझसे लोग प्लान वगैरह बनवा लेते हैं, मतलब छोटा पूरा प्लान बना देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार बिजनेस, मतलब बिजनेस करूँ डिजाइनिंग में यहाँ पे, बीआईएम में मतलब कैसे कर सकते हैं, या बीआईएम मेरे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा? तो बिजनेस को तुम सर किस ये तरीके से थोड़ा देखते हो ये बताओ, सर बिजनेस को मतलब इस तरीके कैसा से बिजनेस देखते हैं करना सर। चाहते हो? जैसे अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, वो मेरे से प्लान बिल्डिंग के बारे में पूरा मॉडल बनवाना चाहता है, तो मैं वो बना के दे दूँ। ये बहुत छोटे लेवल साथ का ही बिजनेस हो साथ गया। एग्जीक्यूट अगर करवाना चाहें तो। मतलब बिजनेस जो करना है ना, बड़े लेवल का बिजनेस करना है, तब तो बिजनेस के लिए करो। अदरवाइज अगर तुम्हें सिर्फ प्लान बनाने का बिजनेस करना है, तो अभी सच बताऊं तो ये बिजनेस नहीं रह गया, ठीक है? अभी मतलब प्लान थोड़ा बड़ा, जैसे कि मैं पूरा का पूरा एक सोसाइटी जनरेट कर दूंगा आपके लिए, इस लेवल का अगर बिजनेस करना सर, चाहते हो तो बिजनेस, ठीक है? यस सर, इस लेवल का ही बात करना चाह रहा था हाँ कि मैं कह नहीं पाया एक्चुअल, मैं वही कहना चाह रहा था तो सर, वो मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, मतलब कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर या फिर सकते हो। वो आर्किटेक्चर वाले ही लोग कर सकते हैं नहीं ये ना, कौन बोल तो दिया, ये थोड़ा सा जानना था। आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई डोमेन की वजह से नहीं होता है, स्किल की वजह से होता है। तो आप क्या बोलते हैं, अगर बीम के अंदर करियर बना रहे हैं, बेसिकली बीम में आप ये तो काम करने ही वाले हो, ठीक है? बट सभी के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका कुछ एक्सपीरियंस लेके तब उसमें एंट्री करिए। विदाउट एक्सपीरियंस जाएंगे, 1-2 साल के बाद मजाक बन के रह जाएगा, ये फैक्ट है, ठीक है? तो आप पहले उस इंडस्ट्री में जाइए, जॉब करिए, सीखिए, फिर अपना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके ओके सर, बाकी सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर क्या भूमिका निभाता है सर, ये भी थोड़ा सा नहीं पता। नाम तो मुझे पता है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है वो थोड़ा सा नहीं पता है। चलेगा। और एक और क्वेश्चन अभी पूछ जैसे लो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लो, जैसे मैं समराइज कर लूँ एक क्वेश्चन को जल्दी, सबका क्वेश्चन लेना है ना, एक क्वेश्चन और पूछ लो, फिर मैं साथ में बता देता हूँ सबका आंसर। तो सर जैसे अगर हम ये बीआईएम ज्वाइन करते हैं अभी 15 से, हाँ सर हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए सर लैपटॉप चाहिए सर। वो थोड़ा सा अभी इशू ऐसा है कि लैपटॉप हमारे पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन का है और कैसा हमको चाहिए, तो अभी है ना सर, क्योंकि तो फिर वो प्रैक्टिस होना बहुत ओके जरूरी है ना। चलेगा, मैं सबको समराइज कर दे रहा हूँ एक साथ ही, ठीक है? और कुछ है?
अभी तो फिलहाल नहीं है ओके सर। ठीक है। तो गाइस देखिए इनका दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं जल्दी लिस्ट कवर कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। जैसे गाइस जो रेविट आर्किटेक्चर है वो मॉडलिंग का काम करता है, रेविट स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का काम करता है जो कि स्ट्रक्चरल 3D डिटेलिंग बोलते हैं उसको, MEP जो है वो प्लम्बिंग का काम करता है। तो ये रेविट के तीनों डोमेन हो गए। इसके बाद जो नेविस वर्क होता है गाइस वो 4D और 5D, रेविट जो है पूरा 3D के लिए है, जो नेविस वर्क होता है गाइस वो 4D और 5D के लिए होता है, जिसके अंदर आप कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना लाइक निकाल सकते हो कि किस समय पर आपको कितना कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका 5D है बेसिकली, किस समय पर कितना मॉडल रेडी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 4D। तो ये दोनों काम आप नेविस वर्क में कर सकते हो। नेविस वर्क में एक और काम कर सकते हो जिसको बोलते हैं क्लैश डिडक्शन। ठीक है, ये मोबाइल है और ये पानी का टप है, ये दोनों, ये मान लो कि कॉलम है और ये एक वायर, एक क्या बोलते हैं फायर फाइटिंग की लाइन जा रही है, कहीं टकराएगी तो नहीं, इस चीज को चेक करना, दैट इज कॉल्ड क्लैश डिडक्शन, जो कि नेविस वर्क के अंदर आप कर सकते हो। एक और सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि स्केचअप, जो कि 3D मॉडलिंग, बेसिक मॉडलिंग करना है तो स्केचअप को यूज कर सकते हो। अगेन थ्रेडा टेक्ला स्ट्रक्चर्स होता है जो कि जस्ट लाइक रेवी स्ट्रक्चर का एडवांस वर्जन होता है टेक्ला स्ट्रक्चर्स, जो कि 3D डिटेलिंग करता है स्टील स्ट्रक्चर्स का भी और RCC स्ट्रक्चर का भी। अब इन्होंने गाइस एक और क्वेश्चन पूछा कि लैपटॉप कौन सा चाहिए होगा। तो देखिए गाइस, बिना लैपटॉप के बीम की ट्रेनिंग करना, उससे ही नहीं कहीं पर भी करना बेवकूफ़ी है। अब बोलो सर क्यों? जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोलते हैं, अगर प्रैक्टिस अगर आप बेटर कर लेंगे तभी जाके आप बीम के अंदर करियर बना पाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली जो लैपटॉप चाहिए गाइस वो चाहिए 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, स्टूडेंट लेवल पर इतना सफिशियंट है। और क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड आपका 4 GB के ऊपर रहे तो और अच्छा है, बट मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, 8 GB रैम और i5 आपका लैपटॉप का जनरेशन हो, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, बस इतना ही इसमें रहता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं जोहेब का लेना चाहूंगा, फिर मनप्रीत का लेना चाहूंगा। यस जोहेब बोलिए। हाँ सर, हेलो, बोलिए। यस आवाज आ रही है सर? यस यस जोहेब बोलिए। सर मैं पूछा था, अभी आपने बोले थे बीम स्टैंड का इंडिया में ग्रोथ होने वाला है, मतलब क्या है ये, इसके बारे में कभी सुना नहीं मैंने इससे पहले। बीम स्लैश नहीं बोला, बीम स्ट्रेटजीज। हाँ बीम स्टैंड, बीम स्टैंड सर वही बोल रहे हैं। बीम जो होता है, बीम तीन पार्ट में है गाइस। एक होता है बीम मॉडलिंग, जो आप जितना लोगों को देख रहे हो गए सभी लोग जो बात कर रहे हो मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नो डाउट इंडिया में ज्यादातर काम भी मॉडलिंग पर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक बीम स्ट्रेटजीज अलग है, बीम इंप्लीमेंट करने के लिए BEP का कॉन्सेप्ट अलग है। जब आप कंपनी में जाओगे, बड़ी कंपनी में, तो आप BEP सुनोगे, आप बीम एग्जीक्यूशन प्लान, बीम में एग्जीक्यूट क्या क्या करना है उसका पूरा का पूरा समरी रहता है, जिसको बोलते हैं बीम इम्प्लीमेंटेशन और बीम स्ट्रेटजीज, बीम मॉडलिंग, ये तीन डोमेन होते हैं इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, और बीम क्या है, डेवलपिंग है ना, तो इसमें जो नया अभी वर्क धीरे धीरे हो ही रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आपकी जो जॉब हायरार्की वो बढ़ने ही बढ़ने वाली है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है सर। हेलो, एक और क्वेश्चन था सर। बिल्कुल सर, एक साइट इंजीनियर जैसा रहता है सर, वैसे बीम का इसमें साइट इंजीनियर के इसमें कोई जॉब हो सकती है क्या? नहीं, इसमें साइट का कोई नहीं, जैसे सर हमारे साइट पे सर जैसे कि ये है एक मैडम बैठती है, वो सब कैड वैड का काम करती, तो वो रिलेटेड बीम से भी वो जॉब कर सकते हैं क्या सर? नहीं, वो कर सकती हैं, बट वो बीम का काम नहीं है जो वो कर रही हैं। अच्छा, ठीक है। बीम का काम जो है वो ड्राफ्टिंग नहीं है, वो भी ऑटोकैड ड्राफ्टिंग तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हो गया। और कोई क्वेश्चन है आपका? सर एक BBS का भी था सर, BBS भी रिलेटेड बीम से ही है क्या? यस, लेकिन यहाँ पर जो BBS होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसके लिए आपको एक्सेल को यूज नहीं करना है, रेबिट पे आप निकाल सकते हैं, नेविसवर्क पे निकाल सकते हैं, पूरा BBS यहाँ से इम्प्लीमेंट होता है, उसी मॉडल को इंटेलिजेंट बनाने के लिए BBS निकालते हैं। ओके सर। ओके जी, चलिए मनप्रीत का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस मनप्रीत बोलिए। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। मुझे है ना ऑयल एंड गैस पे है ना 9 years का एक्सपीरियंस है। ऑयल एंड गैस में 9 years का एक्सपीरियंस? हाँ, मेनली रिफाइनरी सेक्टर से। तो मैं एज ए PMC वर्क कर रहा हूँ, कंसल्टेंट के लिए। तो एक्चुअली क्या है ना सर, मुझे एक जगह ही जॉब करनी है। तो जितने भी मैंने अभी सर्च किया है बीम के रिगार्डिंग, तो बहुत से इंस्टीट्यूट है जो सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत से टेक्नोस्ट्रक है और बीम मैनेजर ऐसे बहुत से। हाँ, बहुत होंगे। तो हाँ हाँ, तो उनके गाइडेंस पर मैं, उनके भी मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, वेबिनार्स वगैरह अटेंड किए। तो ये क्या, अगर हम प्रोसीड करते हैं तो डायरेक्ट क्या बीम कोऑर्डिनेटर का पोजीशन मिल सकता है, या फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़े, बीम मॉडलर
बीम इंजीनियर। अच्छा क्वेश्चन पूछा। फिलहाल गैस एक चीज याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर, दो क्वेश्चन है आपके एक्चुअली, मैं दोनों को एक में ही आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला कि मैं बीम के लिए बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल है बहुत से इंस्टीट्यूट, लेकिन याद रखिएगा कोई भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मत करिएगा। आप बोलोगे सर इंस्टीट्यूट से कैसे ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लोग इंस्टीट्यूट का जो एक प्रोटोटाइप है उनको लगता है ये इंस्टीट्यूट हमको सिखाएगा। कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है, आपको सिखाता है ट्रेनर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे अचानक से याद आ गया, बहुत अच्छा इन्होंने पूछा। तो आप ये देखिए कि मैं इस ट्रेनर से सीखने वाला हूँ, इस पर फोकस करिए। और जैसे कि अगर आप, अगर किसी ट्रेनर का आपको सामने से दिख रहा है कि हाँ ये ट्रेनर है, इनसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इनका समझाने का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इजी भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक, ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैं ही हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, बट आप इस पे मत चले जाइएगा अच्छा ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इस इंस्टीट्यूट का इंफ्रा बहुत अच्छा है, इस इंस्टीट्यूट के एड्स हमने बहुत देख लिए। एड्स तो सबसे मतलब अभी समझ जाओ कि अगर एड्स, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए मैंने ऐड कर दिया मनप्रीत के क्वेश्चन में वो चीज़ कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो किसी पर्सन से, उस पर्सन के बारे में पता करो अगर करना है, ठीक है। दिक्कत हमारे साथ क्या हो रही है, हम क्या बोलते हैं, वैसे मैं बताऊं तो बीम का जो स्टैंडर्ड फीस है लगभग 1 लाख रुपए है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होगा, आप मनप्रीत को पता ही है, चीज़ पता किए होंगे तो। जी जी ये सर, नहीं पता है कि उस 1 लाख में 2 लाख में मुझे सिखाएगा कौन, जी जी ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस 1 लाख में उस 2 लाख में कौन सिखा रहा है, जो सिखा रहे हैं क्या उनके कुछ सेशंस में देख सकता हूँ, ठीक है। अगर हाँ तो अगर उनका सेशन समझाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो एक सही चीज दे रहे हैं, आप बिल्कुल कर लेना। बट किसी इंस्टीट्यूट के एड को देख के प्लीज इस चीज को मत फॉलो करना, ये नॉट अबाउट द बीम ओनली, किसी भी चीज के रिलेटेड। केवल ऐड देख के ये मत डिसाइड करो कि अगर बिमल पान मसाला, अगर क्या बोलते कौन है, वीरेंद्र सहवाग है ना, तो सहवाग जी ने अगर खा लिया तो अच्छा ही होगा, ये डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। चलो अब बन पे दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोऑर्डिनेटर के तो सर, हाँ जी बोलो बोलो सर, अगर हम सीखते हैं मतलब हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बोलते हैं अगर कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर का जॉब मिल सकता है आपको अगर बीम सीखेंगे, तो क्या ये सही है? नहीं देखो क्या होता है कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर का, एक मेरा स्टूडेंट है अभिषेक करके, मुंबई में उसकी एक जॉब लगी, ठीक है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर के प्रोफाइल पर। अब उसको बहुत समस्या आ रही है, ठीक है, और बिलीव नहीं करोगे, वो सर्च कर रहा है कि मॉडलिंग की जॉब मिल जाए, जबकि वो बना है कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो मनप्रीत, तो यहाँ पर फायदा क्या होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, आर्किटेक्चर की फाइल को, स्ट्रक्चर की फाइल को और एमईपी की फाइल को मर्ज करवाना है, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है। अब हमने कभी मॉडलिंग तो की नहीं, ठीक है, और हम उनको सोल्यूशन देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है तो उसको बोलिए एक बार हम सोल्यूशन कैसे दे पाएंगे, ठीक है। अगर मैंने किचन में कभी कुकिंग नहीं किया और उसके बाद मुझे वहाँ का हेड, वो क्या बोलते हैं, सेफ बोलते हैं ना, हेड सेफ बना दिया गया, अब मैं समझाऊं उनको कि ये चीज ऐसे बनाते हैं, बेवकूफी वो तो ये बोलते हैं कि सर हम उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देंगे, नहीं आप ऐसा, नहीं ऐसा मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही, आप तो खुद ही एक इंडस्ट्री में हो ना, अब उस इंडस्ट्री में आपको 9 साल हो गया, ठीक है, मैं किसी फ्रेशर को आपके लेवल तक पहुंचा सकता हूँ क्या, मुझे बताओ तुरंत क्विक में, तुरंत सर पॉसिबल कम है, बहुत रेयर हो सकता है, उसे हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 9 साल बहुत होता है, ठीक है। मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर गाइस ये 8वां साल है, ठीक है। अब मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर कोई भी मेरे सामने एक बच्चा जो कि फ्रेशर होगा, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, तो शायद उस लेवल पर डिलीवर नहीं कर पाएगा, ये फिक्स है, ये कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो सर इसका पैकेज वगैरह, जैसे अभी हमारा है 10 से 12 लाख का पैकेज है, हाँ, तो उस पैकेज से रिलेटेड ही हमें बीम का मिलेगा या एज ए फ्रेशर मिलेगा आपको? देखो क्या बोलते हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। अगर ऐसी कंपनी आपको अप्रोच कर गई जिस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस भी उनके लिए कुछ यूजफुल हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली वो करेंगे। बीम के अंदर एक अच्छी चीज क्या होती है मनप्रीत, जैसे कि आपको अभी देखो 9 साल लग गया उस पैकेज को लेने के लिए, बट क्या बोलते हैं, जो क्या बोल बीम का प्रोफाइल है, इसमें इस पैकेज को पाने के लिए 3 साल से 4 साल सफिशियंट रहता है। अगर आप एक कंपनी, अब कई कंपनी सर्च कर सकते हैं, आप ambition.com पे जाइए सर्च करिएगा, मैं एक दो कंपनी का नाम बताता हूँ, जैसे रैमबॉल को ले लीजिए आप, रैमबॉल का एवरेज पैकेज आप लेंगे तो 5.5 लाख के आसपास रहेगा, ठीक है, मतलब फ्रेशर वो स्टार्ट कर रहा है 5.2 से, 5.8 से, नहीं तो 4.8 से,
और यही चीज मैंने जो करियर स्टार्ट किया था 12,000 से स्टार्ट किया था, अब कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है मन भी, थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा नो डाउट। ये मत सोचिएगा कि सेम पैकेज बताने को, देखो यार क्या बोलते हैं, अगर कोई मैं मार्केटिंग वाला पर्सन होता ना तो बोल देता हाँ हाँ तुम्हारा 11 लाख का पैकेज कैसे लग जाएगा। ठीक है, हमें उसका बेसिक्स तो जानना पड़ेगा ना दोस्त। ठीक है, तो इसलिए, और मैं तो टीचर हूँ यार, ठीक है, तो टीचर का काम है फैक्ट बताना आपको। हाँ, 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक का पैकेज मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग, सेम टू सेम बीम में नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे जितना मैं आपको तैयार कर दूँ, एक कदम पीछे आना पड़ेगा। मेरा एक स्टूडेंट है विकास श्रीवास्तव करके, उसका बड़ा अच्छा ग्रोथ हुआ, तो मैं उसको आप ही की तरह कुछ उसका एक्सपीरियंस है तो ऐड करना चाहूँगा। वो जियो कंपनी के अंदर था, साइट में था, बट वो अच्छे प्रोफाइल पर था, लगभग 55,000 उसकी सैलरी थी। ठीक है, और उसके बाद जब उसने बीम में करियर स्टार्ट किया तो उसको बड़ी दिक्कत हो, नॉर्मल पैकेज सब मिले, एक जगह पर उसको 35,000 रुपये, ये देखो साहिल का सीनियर था, साहिल को पता है, 35,000 रुपये का सैलरी उसको ऑफर हुआ। अब वो कन्फ्यूजन में था कि 55 छोड़ू कि ना छोड़ू, मुझसे बोलता है सर मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उसको गाइड किया, मैंने बोला कि देखो कभी कभी एक कदम हमें पीछे लेना पड़ता है, यस बीबीडी का था करेक्ट है, कभी कभी एक कदम पीछे लेना पड़ता है। और उसने वो डिसीजन अच्छा लिया। बर्किन की मैं बात कर रहा था, बर्किन में उसका सिलेक्शन हुआ, फिर एक कंपनी है अहमदाबाद में मोनार्क इंडिया, उसमें हुआ, और अभी उसका एक कंपनी है पुणे के अंदर, जो लोग हैं नील सॉफ्ट पता होगा, पुणे वाले कोई जानता है नील सॉफ्ट, MNC है, नील सॉफ्ट में उसका सिलेक्शन हुआ। और नील सॉफ्ट में सिलेक्शन होकर 4 महीने के अंदर वो टोक्यो में गया हुआ, टोक्यो में ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग क्या, वो कंपनी की तरफ से गया हुआ है टोक्यो में, मतलब वो एक तरीके से सक्सेसफुल करियर बना लिया। और लगभग इससे मेरा अंदाज है लगभग 8 लाख का पैकेज उसको मिल रहा होगा ऑन एन एवरेज, कम ज़्यादा हो सकता है, बट लगभग 8 लाख का पैकेज मिल रहा होगा। तो देखो 55 छोड़ा था, और ये पूरा कार्यक्रम कितने साल में हुआ, 1 साल के अंदर हो गया। तो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए ये बेनिफिट रहता है, उनका ग्रोथ जल्दी हो जाता है। सर ये एक कुछ ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी आया है बिक्सल मैनेजमेंट, कुछ बिक्सल मैनेजमेंट तो ठीक है। देखो इन हाउस सॉफ्टवेयर बहुत ढेर सारे होते हैं मनप्रीत, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इन हाउस सॉफ्टवेयर रहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड होते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये इन हाउस क्या होता है, इन हाउस मतलब जैसे कि अभी मुझे पता चला कि मनप्रीत एक सॉफ्टवेयर अपने कंपनी में यूज कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर की प्राइस 2 लाख रुपए है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मनप्रीत को सेम सर्विस में अगर 1 लाख में दे दूँ तो उस मनप्रीत बोलेंगे कि हाँ यार ये तो सही रहेगा, कि अभी 2 लाख डालने से अच्छा है 1 लाख में वही काम हो रहा है तो मैं 1 लाख वाला सॉफ्टवेयर ले लूँ, क्योंकि 10 सॉफ्टवेयर लगाने हैं एक कंपनी के अंदर तो 10 लाख रुपये मेरे सीधे सीधे बच रहे हैं, तो मनप्रीत का ये मन कर सकता है। तो इसको बोलते हैं इन हाउस सॉफ्टवेयर। मैंने खुद से कोडिंग करवाया और कोडिंग करवा के हमने उनको सेल कर दिया, और वो इन हाउस सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत ढेर सारे हैं यार, इम्पैक्ट है, प्रोक्टा है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, सिंक्रो है, सॉफ्टवेयर बहुत ढेर सारे, बट स्टैंडर्ड जो रहेगा वो रैबिट, नेविस्वर और टिकला, इन्हीं से बना रहेगा। ठीक है सर, ये हमें इसके बारे में मतलब जैसे कुछ नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। हाँ तो जैसे कि इसमें क्या पीएमसी आ जाएगी, जैसे चार महीने टाइम दे देंगे 100% फ्लुएंसी आ जाएगी, 4 महीने टाइम देने के लिए रेडी। मैं आपको ऑटोकैड से क्यों सिखा रहा हूँ, बिलीव करिए ऑटोकैड का बीम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिखाने का मेन रीजन ये रहता है कि इस माउस पर हाथ सेट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो पहले 1 महीने में मैं एकदम बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पर चलते हैं। बेसिकली आपको यस करना चाहिए, और क्या बोलते हैं पहुँचाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, बट ये जो 4 घंटे है ना, ये मुंह से बोलना तो बड़ा आसान है, रोज करना है। ठीक है, इसीलिए मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास रखता हूँ, सैटरडे संडे क्यों छोड़ देता हूँ, जिससे कि आप अगर कहीं बीच में छूट गए हैं तो बराबर पर आ जाए। ठीक है, चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, ओके जी, एक क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स का ले लूँ, फिर उसके बाद सुनील का क्वेश्चन, सुशील का क्वेश्चन लेता हूँ, बट चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने डाला हुआ है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ड्राइंग्स बनाना होता, यस अच्छा ठीक है, इनका क्वेश्चन हो गया। सेलेस पूछ रहे हैं सर लैपटॉप i3 प्रोसेसर है, 4GB RAM, 2GB ग्राफिक्स कार्ड है, बीम के लिए चल तो जाएगा सेलेस, थोड़ा स्लो चलेगा लैपटॉप, ठीक है, रेंडर में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा दोस्त। और भी राकेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर बीम में कैरियर हायरार्की क्या होती है, मिनिमम पैकेज कितना और कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है हर एक प्रोफाइल के लिए। देखिए अगर बीम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बीम में गाइस जो जनरली प्रोफाइल होती है, पहले तो होती है एक बराबर लेवल की प्रोफाइल, वो कौन सी होती है, वो होती है बीम मॉड्यूलर की, बीम टेक्नीशियन की, 3D मॉड्यूलर की, और बीम आर्किटेक्ट की, इनकी प्रोफाइल लगभग लगभग सिमिलर होती है, और ये फ्रेशर लेवल की प्रोफाइल होती है। 1 साल से 1.5 साल के एक्सपीरियंस पर आप बीम इंजीनियर की प्रोफाइल पर जा सकते हैं। ठीक है, बीम इंजीनियर की प्रोफाइल पर 1 साल से 1.5 साल पर जा सकते हैं,
उसके बाद आप बीम लीड की प्रोफाइल पर जा सकते हैं 2 साल के आसपास के एक्सपीरियंस पे, वो कभी किसी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर। उसके बाद बीम कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल पर जा सकते हैं लगभग 3 साल के एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अब ये कुछ लोग 2.5 साल में भी बन जाते हैं, वो बताया अपवाद हर जगह होता है। उसके बाद बीम मैनेजर जो होता है उसके लिए कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस लग जाता है, कभी कभी 5 साल भी लग जाता है, ठीक है। ये एक जनरल हायरार्की है। इसके अलावा बहुत अलग अलग चीजें जैसे कि एपीआई डेवलपमेंट की है तो उनके लिए अलग अलग मैटर करता है, अलग अलग नॉलेज मैटर करता है, तो उस पर नहीं जाते अभी के लिए, ठीक है। प्रोटा स्ट्रक्चर्स मैं नहीं सिखाता हूँ इस्लाम, और शायद उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है दोस्त, ठीक है। इली ने बोला है सर 3 ईयर का साइट एक्सपीरियंस है और पाइपिंग और इरेक्शन क्वालिटी में व्हाट इज बेटर बीआईएम और स्ट्रक्चर। मेरे अकॉर्डिंग आप बीआईएम में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा रिली, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। सर जस्ट अभी WSP के सीनियर्स ने मैसेज करा है एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली यार अगर क्या बोलते हैं बड़ी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे तो करेंगे। बीम मॉडुलर की प्रोफाइल को सर्च करोगे तो चांसेस रहते हैं कि आप एंट्री आराम से कर पाओगे। बीम मॉडुलर के लिए पहले ट्राई करना चाहिए। आई हैव लर्न ऑल द टीचर वर्स परमिशन ड्रॉइंग्स एंड ओके, ठीक है। शुड आई, यस यस, बीम में आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको आर्टिस्टिक ड्राइंग आता है तो भुजंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी अगर मैं बोलूँ तो गुड़गांव के अंदर कोई भी इंडिया में 40 लाख का पैकेज है, आप सर्च कर लीजिए। 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस पे 40 से 50 लाख का पैकेज कोई भी इंडिया में, और क्या बोलते हैं रैमबॉल में, इन लेवल की कंपनी में, एकॉम, दार, एटकिंस, इन लेवल की कंपनीज में आपको मिल सकता है दोस्त, ठीक है। लगभग मैंने सबका ही क्वेश्चन कवर कर लिया, अगर किसी का रह गया होगा तो दिल पे मत लेना भाई। बीम के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? बीम के अंदर सॉफ्टवेयर मतलब कैसे होता है, सॉफ्टवेयर का काम है उस चीज़ को करना, ठीक है। रही बात, सॉफ्टवेयर बहुत हो सकते हैं बट जो आपको एंट्री करने के लिए पर्याप्त होगा वो होगा रेविट, नेविसवर्क और टिकला। हर काम के लिए अलग अलग वैसे सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, ठीक है। ये वैसे ही है गाइस जैसे कि खाना बनाते हो ना, खाना बनाना क्या है, खाना बनाना एक बीम है। अब बोलो सर ये कौन से डिफिनेशन दे रहे हो आप, सुनो आराम से समझो, खाना बनाना एक बीम है, ठीक है। बस उसमें क्या होता है कि एक बेसिक दाल चावल सबको बनाना आता था, आपको भी बनाना आता है, अब उसी में थोड़ी सी डेप्थ में जाना है। कैसे डेप्थ में जाना है, आप सब्जी को कैसे बेहतर कर सकते हो, आप चटनी को कैसे बेहतर कर सकते हो, आप अलग अलग डिश जैसे शाही पनीर या फिर जो भी चीज़ें हैं उनमें कैसे, मतलब खाना बनाने का एक तरीका क्या था कि किसी को कुछ नहीं आता तो वो छोड़ दो, बीम किसी के बाहर है, कोई बस दाल चावल बनाना जानता है, मतलब उसको बेसिक मॉडलिंग आती है, अब उसको सीखना पड़ेगा हर तरीके की डिश को तैयार करना। और अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई बोले कि सर बीम में कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, तो यार देखो कुछ खाने की चीज़ें फिक्स हैं, यही यही चीज़ चाहिए। बट अगर बोले कि कोई कि हर खाने की कौन कौन सी डिश होगी, कितनी चीज़ें हैं जो हम लोग जानते भी नहीं होंगे, चाइनीज है, जैपनीज है, और पता नहीं कोई थाईस खाना पता नहीं क्या होता है, अपन तो मिडिल क्लास आदमी सब नहीं जानते, ठीक है। बेसिक हम लोग, मैं तो दाल चावल सब्जी रोटी ही जानता हूँ केवल। तो ये एक बेसिक नीड है दाल चावल सब्जी रोटी, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि रेविट, नेविस्वर, टिकला से काम हो जाएगा। आप जितना डेप्थ जाओगे और बेहतर करते जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप उसके अंदर आप सीख लो आर्ची कैट, सीख लो 3ds Max, सीख लो और बेहतर कंटेंट के लिए लूमियन, सीख लो और अच्छे वॉक थ्रू के लिए, वो अलग लेवल की चीज जाएगी। चलो भाई एक सुशील का क्वेश्चन ले लेते हैं, या सुशील बोलिए, और उसके बाद आशीष सलोखे का, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मनप्रीत थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्या बोलते शायद आपका माइक ऑन हो गया। सुशील आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दोस्त, किसी का क्वेश्चन हमारे पास कोई आया है तो जाएगा नहीं, सबका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशीष सलोखे आप पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, आपने बताया ये डिवेस स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, इसमें एमएसबी प्लानिंग का कुछ आता है क्या सर? एमएसबी प्लानिंग का, यस। अगर आप एमएसबी, देखो कैसे होता है, एमएसबी का आपको तुरंत की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 साल के एक्सपीरियंस अगर आपका हो जाता है लगभग, तब आपको एमएसपी की हेल्प मिलेगी। अब लोग सर कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, नेविस्वर जो सॉफ्टवेयर होता है, नेविस्वर तो बताता है ना कि कब बिल्डिंग कितनी बन जाएगी, तो ये सॉफ्टवेयर को एनिमेट कर देता है, बट ये नेविस्वर को थोड़ी बताएगी कब सॉफ्टवेयर कब कितने दिन में क्या काम हो जाएगा। तो इसको प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है साइट पर, वो एमएसपी पर पूरा सीट तैयार करता है कि मैं फुटिंग का काम इतने दिन में रेडी कर लूंगा, कॉलम का काम इतने दिन में रेडी कर लूंगा, बीम का काम इतने दिन में रेडी कर पाऊंगा, स्लैब का काम इतने, तो चार्ट एमएसपी के अंदर तैयार कर देता है, उसी फाइल को ले आके नेविस्वर के अंदर डाल दिया जाता है,
ठीक है, और चाहे वो एमएसपी से कर लो, चाहे प्राइमेरा से कर लो, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर है, बट ये दोनों मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एमएसपी प्राइमेरा। तो बस उसको ले आकर डाल दिया। अब इसको क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग सिंक्रो करके नेवी स्टोरेज जो सॉफ्टवेयर है वो एनिमेट कर देगा कि अच्छा मैनेजर ने बताया है कि फुटिंग इतने दिन में, तो उसमें लिख के आएगा। आपने वीडियो देखे होंगे कई ढेर सारे कि पहले फुटिंग आया, फिर कॉलम आया, फिर बोल्ट आया, फिर ये आया, देखा है कैसे वीडियो, ठीक है, वो नहीं सर, हाँ वो नेवी स्टोरेज से हुई ही होता है, ठीक है, यही काम है एमएसपी का। ओके ठीक है, ओके जी। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सर अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, मुझे कितना समय लगेगा बीम सीखने में। आपको अभी बीम नहीं सीखना चाहिए, अगर आप थर्ड ईयर में है तो मेरी बात मानिए, तो खासतौर से मेरे से नहीं सीखना चाहिए आपको। रीज़न ये है कि मैं पूरा तैयार कर दूंगा आपको इंटरव्यू के लिए, और आपका इंटरव्यू आते आते आप भूल जाओगे, तो बेटर है कि आप मेरे से ना सीखिए, ठीक है, और किसी से ना सीखे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे अच्छा है बेसिक्स आप अभी स्ट्रॉन्ग करिए, जिसके लिए आप हमारे यूनिक सिविल ऐप पर चले जाइए, कोर्स हमने बनाया हुआ है ऑल इन वन, और वो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ जिनका भी बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं आता, रैबिट बिल्कुल नहीं आता, उसके अंदर सब है, ठीक है। ऑल इन वन को बनाते समय मेरे माइंड में क्या था गाइस, आपको प्लानिंग भी आनी चाहिए, आपको मॉडलिंग भी आनी चाहिए, और आपको स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस भी आनी चाहिए, और आपको एस्टिमेशन भी आनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। यही चार प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग मैंने उसके अंदर ऑटोकैड दे दिया है, एनालिसिस उसके अंदर स्टैट प्रो और ईटैप्स दे दिया है, मॉडलिंग उसके अंदर रैबिट दे दिया है, एस्टिमेशन रेविट के अंदर ही एस्टिमेशन सिखा दिया है, मतलब वो कंप्लीट पैकेज दे दिया ऑल इन वन। तो ये न्यू इंडिया करके जिसका भी नाम है, भाई नाम तो आपने लिखा नहीं है, बट आपके लिए अभी बीम ट्रेनिंग मत करिए आप अभी उससे अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग खूब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, स्ट्रक्चर इंट्रो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रेविट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और बीम में उसके बाद आइएगा तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाई, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाँ जी बिल्कुल पूछे मनप्रीत, यस बोलिए सर, ये जो सॉफ्टवेयर आप देंगे ये क्या लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा या कैसे है? नहीं, ये क्रैक होते हैं, आप इसे लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं, और बेसिकली मैं तो सिखा देता हूँ कि कैसे क्रैक करना है, कल को आपका सिस्टम फॉर्मेट हुआ आप खुद से इंस्टॉल करो, ठीक है, सर कैसे इंस्टॉल कर सकते? हाँ मतलब मेथड में बता देता हूँ कि भाई ऐसे करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, आप डाउनलोड करके रखे हो, खत्म, ठीक है। मैं अगर सर ये तो फिर आपको एक बार के लिए होगा, बट आपको सिखा दूंगा तो आप लाइफ टाइम कर सकते हो जी। सर अगर मुझे साइट एक्सपीशन में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह फील्ड में जाना है तो ये नेवी वर्क बहुत यूजफुल होगा मेरे लिए, राइट सर? यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। बीम के सॉफ्टवेयर में एक्चुअली हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग वो है, बट हाँ नेवी वर्क आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। बाकी देखिए अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको खुद का ऑफिस भी खोलना है, और अगर अभी आज के टाइम में अगर आप लोग इंडस्ट्री में है कि नहीं पता नहीं, आप लोग का कितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं बता पाऊंगा, बट आज के टाइम में अगर किसी को आप 3D मॉडल नहीं दिखा रहे हैं ना, और आप बोल रहे हैं कि हम आपका घर बना देंगे, आपको वो प्रोजेक्ट नहीं देगा। अगर मुझे इन केस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर भी बनना है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना है, तो उस टाइम में भी मुझे एस्टिमेशन और रेट एनालिसिस वगैरह के लिए भी यूज होगा ना? यस यस यस, ठीक है। यही तो कैसे होता है ना मनप्रीत, कि हमें ना क्या बोलते हैं, स्टार्ट टू एंड कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। जैसे कि मैं खुद को भी ना, मतलब कि अभी जैसे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, माइंड सेट करके बुक है, बड़ी अच्छी बुक है। तो मतलब कुल मिला के मेरा ये प्रोग्राम माइंड रहता है कि यार कुछ न कुछ लर्निंग के टाइम होता रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ी अर्निंग यही है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर अभी मान लीजिए आपने बीम को डेवलप कर लिया, रुकिए मत, इसके बाद स्ट्रक्चर्स को डेवलप करिए, क्योंकि एट द लास्ट सिविल इंजीनियरिंग तो आपको खाना दे रहा है ना, तो उसके साथ हमारा जो धर्म है वो एकदम प्योर होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि लर्न समथिंग एवरी डे, जिससे कि कुछ ना कुछ हमारा बूस्टिंग होता रहे, और डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प करेगा ये। इसके अलावा भी अगर आप अपना बिजनेस करना चाहेंगे तो आप स्टैट प्रो और ईटीएफ्स लॉन्ग टर्म में सीखिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई, इन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है श्याम ने, सर बीम में कौन से ड्रॉइंग्स का, अच्छा एक पैकेज का क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो मैं बताना भूल गया। तो पैकेज के लिए गाइस होता है कि आपका पैकेज बीम के अंदर जनरली, अगर आप एकदम से स्मॉल लेवल की कंपनी में गए हैं तो 15,000 तो कहीं नहीं गया है। आप बोलोगे सर मेरे ख्वाब इतने बड़े बड़े, आप 15,000 की बात करो, मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का जो कंपनी एकदम छोटे स्केल पर है, जिसके एक कमरे का ऑफिस हो। अगर आप मिड लेवल की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप आराम से 20 से 25,000 के बीच में सैलरी पा जाएंगे। मिड लेवल कौन सा होता है, एक ब्रांच मैंने यहाँ खोल लिया है, एक ब्रांच मैंने अपने घर पे के पास खोल लिया है, तो इसको बोलते हैं मिड लेवल कंपनी। तो यहाँ पर 20 से 25,000 रुपये कहीं नहीं गया है आपका। और अगर आप किसी एमएनसी के अंदर काम कर रहे हैं,
तो 25 के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि उनका मिनिमम सैलरी ही 30 के आसपास रहेगा। अब ये में भी 25 हो सकता है, 28 हो सकता है, 32 हो सकता है। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दे दिया, वो सुभाषीष हमारा जो स्टूडेंट है उसका 32 पे सिलेक्शन हुआ। आप बोलोगे सर वो आपने एक स्क्रीनशॉट डाला था एक लड़के को 5.5 लगा, तो भाई ये स्वाभाविक सी बात है, सबका अपना एक अलग कैलिवर होता है, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करोगे 25 के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब वो 5.5 कोई ले लेता है, कोई 5.2 ले लेगा, कोई हो सकता है 25 ही ले पाए, मतलब 3 लाख ही ले पाए, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है सर। नेविस्वर का सॉफ्टवेयर पायरेटेड वर्जन गेट इनटू पीसी से मिल जाएगा, गेट इनटू पीसी डॉट कॉम पे साजन आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ठीक है। और यस, देखिए किसी ने कमेंट भी किया, अरबाज ने कमेंट किया, अरबाज हमारा स्टूडेंट है शायद, अरबाज का जी हाँ। और किसी का क्वेश्चन है, सिराज कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, सिराज बोलिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आउटसाइड कंट्री हमें वर्क करना है तो वैसे प्रोजेक्ट भी पता होना चाहिए ना, नॉलेज ऑफ यूएसए प्रोजेक्ट, तो आप वैसे प्रोजेक्ट लेते हैं क्या? मैं हर कंट्री का आपको कोड देता हूँ सीखने के लिए, और उसके बाद देखिए इसमें ना मैं बहुत ज्यादा आपसे मेहनत कराता हूँ सिराज। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बेसिकली मैं करता ही हूँ नो डाउट, लेकिन मेरा काम रहता है मैं आपको जैपनीज का दे देता हूँ कोड, यूएस का कोड दे देता हूँ। अभी जो मेरे स्टूडेंट जहाँ जहाँ काम करते हैं यही तो मेरा बेनिफिट हो जाता है। अभी जैसे कि बेल्जियम का मेरे पास पूरा स्टैंडर्ड है, जो उनका क्या बिल्डिंग बाय लॉ है पूरा मेरे पास है, ठीक है, वो भी मैं दे देता हूँ। तो लगभग हर कंट्री का तो हो ही जाता है, बट ये मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं इस कंट्री का भी होता है, कोई आके बोलने लगे सर मुझे तो जापान का ही करना है, मेरे पास जापान का प्रोजेक्ट ना हो तब, समझ गए। लेकिन लगभग हर जगह का स्टैंडर्ड मेरे पास है, ठीक है। और सर वहाँ के जॉब हम यहाँ से फ्रीलांसिंग की कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वगैरह? यही तो सब कर रहे हैं, ये जो इतने लोगों को पैकेज दे रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी एक कंपनी है, आज एक लड़का मुझे कॉल किया था, तो एक लड़का है वो एक एमएनसी में काम करता था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी उसकी पायरेसी गड़बड़ हो जाएगी। वहां पर काम किया लगभग 4 साल काम किया, 4 साल काम करने के बाद कोविड के टाइम पे उसने काम छोड़ दिया, और यही पुणे के अंदर एक जगह है विमान नगर, पुणे वाले लोग जानते होंगे, वहां पर उसने अपनी कंपनी खोली है, ठीक है। और अपनी कंपनी खोल के अब उसको काम तो आ गया जहां जहां का वो कंपनी काम करती थी हर कंट्री का, अब ये ऑनलाइन केवल वहां का काम लेता है, और अपने नीचे लड़के रखा हुआ है जिसमें 4 स्टूडेंट्स मेरे हैं, ठीक है, और हर स्टूडेंट को लगभग 30,000 पे कर रहा है वो, और उसके पास इतने प्रोजेक्ट हैं कि अगर आगे के 3-4 महीने काम न भी ले तो उसके पास काम भरे हुए हैं। तो जो काम सीख लेगा अच्छा। उसके लिए काम बहुत अच्छा, वो बहुत बहुत पैसा कमा रहा है वो, मतलब अभी समझ जाओ कि जिस लोकेशन पे उसने रेंट पे ऑफिस खोला हुआ है उस लोकेशन का रेंट कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होगा, एयरपोर्ट के जस्ट बगल में, ठीक है, मतलब पूना है, बहुत बहुत कॉस्टली है गाइस यहाँ का लोकेशन। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि इसमें पैसा बहुत है दोस्त। यस सर, थैंक यू। ओके जी, इन्होंने क्वेश्चन बोला हुआ है कि सर एक कंपनी में कितने भी मॉडलर को हायर करती है, नासिक और पुणे में भी जॉब मिलेगी क्या? पुणे में तो भाई बहुत भर भर के है, नासिक में ज्यादा नहीं है, 3-4 कंपनियां ही है, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कहाँ की है, राजपूत जी का क्वेश्चन है। रही बात बीम मॉडुलर, तो बीम मॉडुलर देखो कैसे होता है कि अभी जैसे जब से हम लोग बाहर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हर कंपनी में 8-10 मॉडुलर्स हो ही रहे हैं, ठीक है। अब वो कंपनी के साइज पे डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी कंपनी है और किस किस कंट्री के प्रोजेक्ट्स को लेके आप आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्त। किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया? ओके जी, ठीक है। और ये गाइस पूरी ट्रेनिंग जो अपनी रहेगी ऑनलाइन रहेगी, उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। पुणे का मैं आपको बताऊँ तो पुणे इतना कॉस्टली सिटी है कि यहाँ पर ऑफलाइन का मैंने एक दो बार ट्राई किया था, अगर किसी के मन में है तो बता दूँ। वैसे तो ऑफलाइन में इसका ट्रेनिंग का टाइम हो जाएगा लगभग 8 महीने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो दे नहीं पाऊंगा ऑनलाइन में, तो 8 महीने हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। पुणे में अगर आप लोग सर्च करेंगे बी वर्क या फिर ऐसे कुछ ऑफिस जो बने बनाए ऑफिस मिलते हैं, एक चेयर का मिनिमम उनका जो रेंट है वो 6,000 से 7,000 रुपये है। तो अगर 4 महीने में आपको ट्रेनिंग कराऊंगा तो लगभग 35,000 रुपये के आसपास प्लस GST हमारा ले लेंगे वो ऑफिस वाले, उसके बाद आपकी फी हो जाएगी लगभग 80,000 के आसपास। तो इसलिए मैं इसको ऑनलाइन मोड पर रखता हूँ, प्लस आपको जॉब नहीं छोड़ना है सर, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। अब रात को 10 बजे मैं कहीं पर ऑफलाइन चला नहीं सकता हूँ, बट ऑनलाइन में रात को 10 से 11:30, कभी कभी 12 भी बज जाता है, तो वो पॉसिबल हो पाता है ऑनलाइन की वजह से, इसलिए पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन रहेगी आपकी, ठीक है। सर आपके रिकॉर्डेड कोर्स में और लाइव कोर्स में बहुत डिफरेंस रहता है दोस्त। रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आपको हमने काम दे दिया, अब आप अपने हिसाब से वॉच कर रहे हो, यहाँ पर आप पूरा मेरे मेंटरशिप में आप अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हो, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत गलतियाँ होती हैं उसको डेली फिक्स कर रहे हो, प्लस
इंटरव्यू की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर सैटरडे संडे को अब जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पढ़ रहे हैं सैटरडे संडे, क्यों, कल उनका मॉक होने वाला है, अब वो प्रेशर में है कि भाई मॉक के लिए अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, सबके सामने बेइज्जती भी होगी, तो इस प्रेशर में वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फ्राइडे को लगभग चांस है कि एक बैच का रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट के लिए उसको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तब जाकर रिटन टेस्ट दे पाएंगे। और रिटन टेस्ट भी हमारा ऐसे नहीं होता, कैमरा सबका ऑन रहेगा तो चीटिंग का कोई जगह नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। एक बैच का एमसीक्यू टेस्ट का पेपर बन रहा है, उसका एमसीक्यू टेस्ट होगा, उसका भी टाइम स्लॉट रहेगा, तो मतलब पूरा का पूरा इसमें प्रिपरेशन हो जाती है, ये बेसिकली फर्क रहता है। और किसी का कोई प्रश्न है भाई, क्योंकि आप आए हैं समय निकाले हैं, तो आपको पहले तो धन्यवाद। दूसरी चीज, आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर रहना नहीं चाहिए। बीम में एग्जैक्टली कौन कौन से ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं? श्याम थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पूछ लियो शायद, या फिर जो बताना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पाया। कौन कौन से ड्राइंग्स नहीं होता है, अगर बता दूं थोड़ा सा, तो जैसे आप लोगों ने मास्टर प्लान सुना होगा, जैसे मास्टर प्लान सुना होगा तो मास्टर प्लान क्या होता है सबको पता ही होगा, जिसके अंदर हर तरीके की डिटेलिंग्स होती है। वैसे बीम के अंदर होता है मॉडल जिसको बोलते हैं फेडरेटेड मॉडल। क्या बोलते हैं? जो आप मास्टर प्लान बोलते हो ना कि ये मास्टर प्लान है जिसमें हर एक डिटेलिंग प्लान का दिखाया हुआ रहता है, वैसे ही बीम के अंदर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं फेडरेटेड मॉडल। फेडरेटेड मॉडल क्या होता है? वो मॉडल जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो इस पे काम होता है। जिसके अंदर अगर आप स्टील स्ट्रक्चर का करो तो पूरी की पूरी शॉप ड्राइंग होनी चाहिए, जिसमें असेंबली ड्राइंग, जीए ड्राइंग, सिंगल पार्ट ड्राइंग, सारे ड्राइंग्स आपके इंक्लूड रहते हैं उसके अंदर, इरेक्शन ड्राइंग भी रहता है उसके अंदर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर मैं सही समझ पाया तो ठीक है। सर अश्रफ बोल रहे हैं कि सर मैं थर्ड ईयर में हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द विच फील्ड बेटर फॉर मी, स्ट्रक्चर ऑफ बीम। बेटर आंसर इज आस्क फ्रॉम योर सेल्फ अशरफ, की आपको बिल्डिंग मटेरियल वाला सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर आरसीसी और सोम पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको आरसीसी और सोम पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ जाता है तो मतलब आपको मैथमेटिक्स वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आपको स्ट्रक्चर्स करना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें या फिर बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मतलब आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के हो, मैनेजिंग माइंडसेट से ज़्यादा इंसान हो, तो आपको बीम करना चाहिए। ये दोनों का सबसे बेस्ट आंसर होता है। तो कभी भी किसी इंस्टीट्यूट वाले से मत पूछना, इंस्टीट्यूट वाला मतलब मेरे से भी मत पूछना, मैं भी इंस्टीट्यूट ही हूँ ना, मेरे से भी ना पूछना। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पास जिस चीज़ का ट्रेनर होंगे मैं बता दूंगा ये अच्छा होता है, बहुत ऐसा होता है गाइस, इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बेटर आंसर इज आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आंसर भी आपको दे दिया, अब आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, साहिल समझ में आया? सॉरी अशरफ, अशरफ समझ में आया? आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। श्वेता, ये आशीष बोल रहे हैं कि सर मेरे पास इंटेल का एसएसडी है। ओके, ठीक है, चल जाएगा। थोड़ा सा रेंडर के लिए आपको वीरे यूज करना पड़ेगा, इनस्केप नहीं चल पाएगा आशीष वर्मा। क्लास की इन्फॉर्मेशन कैसे रहेगा? ठीक है, क्लास का नंबर मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर, ये आप सारा नंबर शेयर कर सकते हो, उसे आपको कॉल जहाँ तक जाना चाहिए, नहीं गया तो ये नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कल ही क्लास, वैसे ऑलरेडी बैच में काफ़ी लोग हो चुके हैं ऑलरेडी, मुझे लगता है लगभग 15-20 लोग आ चुके हैं। ठीक है, 10-15 लोग ही और आएंगे। श्वेता बोल रही है सर आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ रैबिट मॉडल, ग्रेट, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट और स्टेप्स एंड व्हाट विल बी द पैकेज आई कैन एक्सपेक्ट। ओके, आई एम कन्फ्यूज फ्रॉम वेयर यू आर, बताओ तो मैं बताता हूँ कहाँ से हो तुम श्वेता। ठीक है, अगर तुम बी में सच में तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो हमारे गुरुकुल को तुम ज्वाइन करो। ठीक है, और अगर बड़े शहर के लिए तुम रेडी हो तो आई कैन रीच यू एटलीस्ट 6 लाख। ठीक है, एमएनसी में हो तब तो तुम्हें और मिलेगा, क्योंकि अगर एमएनसी में हो तो तुम्हें ठीक ठाक ही पैकेज मिल रहा होगा श्वेता। ठीक है, और फिर तुमको अगर पुणे के अंदर हो तो और अच्छी बात है, जितना भी तुम पा रहे हो उसे 30% का इंक्रीमेंट गुरुकुल के थ्रू हो सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि कोई रिटर्न है, बट आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सी कंपनी में हो वैसे पुणे में, इन विच कंपनी, प्रेसिजन प्रकाश या फिर कौन सी कंपनी में बताओ तो मैं बता सकता हूँ तुम्हारा, वैसे मैं एवरेज पैकेज ही बता दूंगा तब। ठीक है, क्योंकि लगभग हर कंपनी का गैस बीम के अंदर तो हमको पता ही चल जाता है, आउटसोर्स कंपनी है। अच्छा, मैं समझ गया तुम जिस कंपनी की बात कर रहे हो, आई थिंक मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, आर्किटेक्चरल वर्क है, ओके ठीक है, बट ये अनुमान लगा लो कि तुम्हारा जो भी सैलरी है उस पर 30% की हाइक ले सकती हो। अगर तुम पुणे में की बात करो स्पेशल, क्योंकि मैं पुणे में रह रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है, तो पुणे में तुम जैसे WSP में जा सकती हो, ठीक है, वाल्टर प्यूमोरे में, उसके अलावा तुम नील सॉफ्ट में जा सकती हो, वी कंस्ट्रक्ट में जा सकती हो, ठीक है, उसके अलावा सेंटेक में जा सकती हो,
और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें आप एंट्री कर सकते हो, एटकिंग्स में कर सकते हो, उधर वॉकआउट साइज में है कुछ कंपनियां जैसे कि कैसेक इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उसमें जा सकते हो, बहुत सी कंपनी है इस कंपनी का, वो तो बहुत है पुणे के अंदर, बहुत ज़्यादा बीम की कंपनियां हैं, पुणे, बेंगलोर, मुंबई और गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और हैदराबाद, ये जो सेंटर्स है ना यहाँ पर बहुत अच्छी बीम की कंपनियां मिल जाएंगी आपको। सर तो हम खुद का काम करना चाहते हैं, बीम में एग्जैक्ट क्या का यूज कर सकते हैं, अभी के लिए आप रेविट पर काम कर सकते हैं, बाकी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे काम बढ़ेगा आपका धीरे धीरे, अभी आपको रेविट पे ही काम मिलेगा स्टार्टिंग में। यस सर, बट आई नो आई वॉन्ट प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग्स। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये डिसाइड कर लो कि आपको बीम में करना है कि स्ट्रक्चर में करना है। ठीक है, और गल्फ में बीम का स्कोप बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर, बल्कि ज़्यादा हो चुका है अभी तो, क्योंकि अभी काफ़ी लड़के ऑलरेडी, मैं बताऊं तो आपको हमारी लास्ट बैच में कुछ दुबई से भी बच्चे थे, कुछ बच्चे सऊदी के थे क्या, अभी हैं एक्चुअली करंट बैच में से हैं। ठीक है, क्या पता यहाँ भी कोई हो सकता है मेरा, अगर ओल्ड स्टूडेंट कोई है तो, सऊदी से है, कभी बच्चे सऊदी से सीख रहे हैं, काफ़ी बच्चे दुबई से सीख रहे हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्कोप है, तभी तो वहाँ से सीख रहे हैं, वहाँ जॉब भी कर रहे हैं फिर भी सीख रहे हैं, करेंट बैच में भी है। ठीक है, तो है काफ़ी बच्चे हैं यार। ठीक है, चलो ठीक है, और इतना ही रखा जाए, सफिशियंट है आई थिंक आप सबके प्रश्न के सारे। हाँ ऋषभ का कोई क्वेश्चन रह गया है सर, मेरा एक करना? क्वेश्चन था सर। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। सर पीबी प्रोजेक्ट्स में बीम का क्या रोल रहता है? पीवी प्रोजेक्ट्स में बीम का अभी तो बहुत पीबी ज्यादा हो प्रोजेक्ट्स, गया, ये समझ गया, अभी तो बहुत ज्यादा हाँ हो गया, सर। पहले नहीं था। ठीक है, अभी कैसे, अभी तुमने सुना होगा काफी ज्यादा जॉब निकल रही है पीवी का बीम के अंदर। क्या होता है जैसे कि अभी मुझे अभी जैसे कि नागपुर का मेट्रो बन रहा था है ना, अब जी मेट्रो के सर लिए तुम्हारा पूरा पीवी सेट ही यूज हुआ है, देखा ही होगा अगर सुना होगा तो, मेट्रो में सब पीवी यूज कर रहे हैं राइट, तो अब मेट्रो पर कैसे वो पीवी का सेट प्रॉपर जाएगा, क्योंकि सेट को अगर देखोगे इतना कॉम्प्लेक्स रहता है। तुम कहाँ से हो वैसे? सर बेसिकली फ्रॉम यवतमाल महाराष्ट्र। अच्छा, और तब हाँ शायद मतलब उसे नागपुर देख के करीब ही है। हाँ नागपुर के कर, तो नागपुर में देखा होगा कभी, देखना हाँ उसका सर सेट इतना कॉम्प्लेक्स है, उसका जो सेट है इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे अगर सिर्फ उसे ऑटो के ड्राइंग से बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है। मैं तुम्हारा माइक ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो ऑटो कैड से अगर हम उस केवल उसको ड्राफ्टिंग करने बैठेंगे, उसके जो सेट है, सेट की जो डिजाइनिंग है, जो उनके कनेक्शन है, वो बहुत टिपिकल हो जाते हैं ऑटो कैड से, और एक तरीके से बोलो तो ऑटो कैड से बहुत गलतियां होंगी। उसी चीज को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट बीम मॉडल बना लिया। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, क्या नाम है वो, नागपुर का ही आशिफ, ठीक है, नागपुर में के ही मेट्रो स्टेशन का वो पूरा बना रहा है, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मॉडल भेज देंगे। तो वो क्या बना रहा है, नागपुर, क्योंकि नागपुर में ही वो जॉब करता है, तो नागपुर मेट्रो स्टेशन का पूरा सेट बना रहा है वो, ऊपर का सेट, नीचे का पूरा रेलवे लाइन, नीचे जैसे पूरा उसका सेटअप बना हुआ है कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन का, तो पूरा सेटअप बना दे रहा है। उससे क्या होगा, उसे क्लाइंट को जो आप दिखाएंगे कि मैं आपके पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाने वाला हूँ, तो उसे देख के क्या होगा कि क्लाइंट से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, प्लस एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, कहाँ बोल्ट लगाना है प्रॉपर दिख रहा है, कैसे, टेक्ला सॉफ्टवेयर से आपने दिखा दिया, कितना स्टील लगेगा, टेक्ला ने एक में कमांड होती है ऑर्गेनाइजर नाम की, जो कि पूरा कैलकुलेट कर देगा इतना स्टील लगेगा, इतने एमएम के इतने बोल्ट लगेंगे, इतने एमएम के इतने बोल्ट लगेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आसान हो रहा है ना जी समझ। सर तो ये काम जो होता है बीम का, अभी तो बीम हाईवे के अंदर भी आ गया है। ठीक है, तो बीम धीरे धीरे हर इंडस्ट्री को कैप्चर करेगा, और ऑलरेडी बताऊं तो दिल्ली में, इसमें दिल्ली मेट्रो है ना, दिल्ली मेट्रो के अंदर हमारा एक स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहा है, नागपुर में पता नहीं, मुझे नागपुर का आइडिया नहीं है कि अभी कोई कर रहा है कि नहीं, बट दिल्ली मेट्रो में एक लड़का काम कर रहा है, एक लड़का कानपुर में शायद मेट्रो आने वाला है, उत्कर्ष श्रीवास्तव करके अपना स्टूडेंट है, वो वहां पर काम कर रहा है। ठीक हाँ है, ओके सर। और ठीक एक है, क्वेश्चन था और बिल्कुल टेकला एपीआई क्या रहता है सर? अभी नया सुनने में आ रहा है। हाँ ठीक है। एपीआई कोई भी होता है, वो एपीआई कैसा होता है कि एप्लीकेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, मैं अपने अकॉर्डिंग अपने काम को थोड़ा सा, जो मेरा मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग मैं स्क्रिप्टिंग करवा लूँ, ठीक है, जिससे काम में स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि ऑटोकैड के अंदर भी ओके एपीआई था, बट अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, ऑटोकैड में उसको बोलते थे एक्सेलरेटर की। ठीक है, एक्सेलरेटर की क्या होता था गाइस, आपने जैसे डी क्लिक किया ऑटोमेटिक डोर आ जाएगा, लगा दो। ठीक, ऐसे कीज बनवा लिए जाते थे मार्केट से, और कुछ लोग खुद ही बना लेते थे। ऐसे ही अभी बीम के अंदर एपीआई आ गया है। ठीक है, जिस तरीके से आपका एप्लीकेशन, आपको किस तरीके से यूज करना है, किस चीज को क्या ऑटोमेशन लाना है, कि ये चीज आपको बार बार करना ही है, उसको ऑटोमेट करवा लीजिए, आप पाइथन के थ्रू करा सकते हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग करवा लीजिए, तो वो ऑटोमेशन मोड पे चला जाए। जैसे आपको काम ही है आपका सीएनसी जाली बनाने का,
अब सीएनसी जाली बनाने का मतलब बार बार होल करना पड़ेगा आपको किसी जगह पे, तो आपने एपीआई करवा लिया, एक क्लिक किया आपके ढेर सारे होल्स हो जाएंगे उसमें से, जैसे आपको स्क्रिप्टिंग करना है कर दीजिए, जल्दी काम हो जाता है बेसिकली। ओके सर, इस पे एपीआई बेस पे भी जॉब वैकेंसी है अभी या फिर? बहुत ज्यादा अभी बढ़ रही है, बट प्रॉब्लम क्या होते है वो फ्रेशर्स के लिए नहीं रहता है, ठीक है। अभी हमारा एक स्टूडेंट है अमित भोर करके, वो एक एमएनसी के अंदर है, कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, बट वो नील शॉर्ट का एक्स एम्प्लॉई था। नील शॉर्ट में उसका पैकेज 8 लाख था, इस समय मेरा अंदाज लगभग 12 के आसपास होगा क्योंकि कोविड के टाइम के हाल की बता रहा हूँ अभी तक में। तो उसके कंपनी में एपीआई यूज़ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, बट कैसे होता है कि एपीआई के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 4 से 5 साल चाहिए होता है, तो कहीं पर सर्च करोगे इतना लगेगा लगेगा, तो उस बेस पर आपको अभी नहीं जाना, बेटर रहेगा अभी आप मॉड्यूलर के तौर पर जाइए या फिर बीम इंजीनियर के तौर पर जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया गाइस? ओके, उम्मीद करता हूँ सबको कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिली होगी, आपका 1 घंटे जो है जाया नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। और आशीष कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, आशीष कुमार बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। मुझे आपसे कुछ 5 मिनट चाहिए थे लास्ट में, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग इसी कॉल में। मीटिंग खत्म होने वाली है, आप पूछ लीजिए जो पूछना है आपसे, खत्म हो चुकी है बेसिकली। सर एक्चुअली में कल मेरा इंटरव्यू है रैबिट पे। हाँ, रैबिट पे है या बीम पे है, पहले बताओ। रैबिट इंजीनियर एचसीएल में। एचसीएल में रैबिट, हाँ रैबिट इंजीनियर की प्रोफाइल है एचसीएल। अच्छा चलो, दिल्ली में है क्या? हाँ नोएडा लोकेशन के लिए, और नोएडा और बैंगलोर। समझ गया, तो आप पूछना चाह रहे हो क्या पढ़ के जाऊं? हाँ, तो आप रैबिट फैमिली के बारे में पढ़ लो, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली, और उसके साथ नेस्टेड फैमिली, ये तीनों फैमिली के बारे में पढ़ लो। मैंने एक दो शॉर्ट बनाए हुए, पता नहीं अभी अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके अलावा आप पैरामीटर्स पढ़ लो, ठीक है, प्रोजेक्ट पैरामीटर, सिस्टम पैरामीटर, ग्लोबल पैरामीटर, ठीक, इसके बारे में पढ़ लो। उसके अलावा आप पढ़ लो क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम इसके रैबिट के अंदर शॉर्टकट कीज बना पाते हैं, शॉर्टकट की बनाना सीख लो। उसके अलावा रैबिट के अंदर आप आर्किटेक्चर पे है कि स्ट्रक्चर सब मिला के है कि केवल आर्किटेक्चर पे है? ये सर एक्चुअली में थोड़ा अलग है इसका। हाँ वही मैंने पूछ रहा, मुझे लग रहा है एचसीएल क्यों पूछ रहा है, एचसीएल इसलिए पूछ रहा होगा कि वो कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने हायर किया हो। अब आप मुझे प्लांट का है कुछ, प्लांट या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और यूएस स्टैंडर्ड तो नहीं है। अगर आप उसका जेडी जेडी है आपके पास? जेडी सर मैं सर्च कर रहा हूँ बट मिल नहीं रहा है अभी, क्योंकि अभी प्रोफाइल आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो जो कॉमन क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, ठीक। अगर आप, क्योंकि कंपनी कभी भी गाइस केवल 2 जगह से क्वेश्चन पूछती है, एक आपके रिज्यूमे से, एक अपने जेडी से। यस सर, यस सर, ठीक है। अब आप ये फिक्स करो, अब मुझे जेडी अगर दोगे या तो उस, क्योंकि रैबिट का जो प्रोफाइल होता है उसका क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर यही चीज तुम बोलते सर बीम मॉड्यूलर का था, तो मैं बोलता है एलओडी पढ़ो, स्कैन टू बीम पढ़ो, कोबी के बारे में पढ़ो, बीईपी के बारे में पढ़ो, स्कैन टू कैट टू बीआईएम के बारे में पढ़ो, ठीक है, उसके बाद फेडरेटेड मॉडल के बारे में पढ़ो, रिकॉर्ड ड्राइंग पढ़ो, उसके बाद एसबिल्ट ड्राइंग के बारे में पढ़ो, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। बट अभी तुम प्रोफाइल क्लियर करो, मुझे लगे तो मैसेज कर देना, हम तुम्हें उसके लिए, मेरे पास नोट्स हैं हर चीज के, उस नोट से मैं दे दूंगा। सर जीडी है हमारे पास, मिल गया, ठीक है, तो मुझे शेयर करो व्हाट्सएप, अगर मेरा नंबर है आपके पास तो, ठीक है, या फिर पढ़ सकते हो तो पढ़ दो, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। इसमें ये है सपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट इनटू प्लांट इंजीनियर रिक्वायरमेंट, सपोर्ट प्लांट इंजीनियर प्लानिंग एंड कॉस्ट एस्टीमेट फॉर द प्रोजेक्ट डिजाइन, ऑप्टिमाइज सबस्टेशन एंड बिल्डिंग लेआउट, इंटीग्रेटिंग ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, कंसीडरिंग देयर इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंस्ट्रेंट, ऐसे ही कुछ है सर। रैबिट का प्रोफाइल नहीं है फिर, इनका मिक्स काम है। मिक्सर है, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, काम है बट हां मैं अपना नंबर दे रहा हूं, मुझे जेडी शेयर करो, अगर उसके रिलेटेड मेरे पास कुछ नोट्स रहेंगे मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये रैबिट का काम नहीं है, ठीक है। सर जो प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल, वो रैबिट इंजीनियर का है। हाँ बट हमसे जेडी क्या कराया क्या जा रहा है हमसे, ये तो मुझे बताना इम्पोर्टेंट है ना। और एचसीएल में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा मुझे फेक भी लग रहा है सच बताऊं तो, ठीक है, अब पता नहीं, नहीं मेरे पास सर कॉल भी आया था और इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गया हमारा, मेल आया हुआ है। हाँ
मेल आया था, कॉल आया था, टीम के थ्रू इंटरव्यू स्लॉट शेड्यूल हुआ है कल कल ओके का। ठीक है, एक बार देख। अच्छा कॉलिंग पे है ये, मतलब ऑनलाइन ही है ना? हाँ ऑनलाइन है अभी तो। ठीक है ऑनलाइन है तो ठीक है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा कभी भी कंपनी का आपको चेक करना है कोई आइडेंटिफाइड है कंपनी की नहीं, तो इसे मेरे कंपनी का मेल आईडी है akash.pandey@unixcivil.com है, ठीक है? तो देख लेना जो मेल आया हुआ है वो एडिडेट से आया है कि नहीं, एडिडेट यूनिक्स आपको आना चाहिए, edited.scl.india.com, अगर वहाँ से आया है तो हाँ, जरूर है। scl.com से है। हाँ तो फिर हो सकता है वो लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि कई ढेर सारी भी आईटी कंपनियां पुणे के अंदर भी हैं जो कि बाहर के प्रोजेक्ट्स लेके, और आईटी की कंपनियां हैं, ठीक है, बाहर के बीम के प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पर करवा रही हैं। तो एक दो बार तो मेरे से लड़कों ने पूछा, मैं कन्फ्यूज़ हो गया, फिर मैंने जाके देखा तो उन्होंने अभी नया काम स्टार्ट कर दिया। अब जो आईटी के लिए प्रोजेक्ट हायर करते, क्योंकि ये लोग करते कैसे गाइस पता है क्या आप लोग को, शायद डेप्थ में थोड़ा बता दूँ, तो ये लोग अलग अलग साइट्स होती हैं जहाँ से काम उठाते हैं फॉरेन से, जैसे कि freelancing.com है, पीपल पर आर्स है, ऐसे कई ढेर सारी साइट्स हैं। यहाँ से इनके बिडर्स, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, वो वहाँ से काम लेके आते हैं और यहाँ पर काम कराते हैं। आईटी का भी ऐसे काम होता है, बीम का भी ऐसे ही काम होता है। तो अब लोग आईटी का सर्च कर रहे थे, साथ में बीम का दिख रहा था, तो उन लोगों ने क्या उठाया कि बीम भी उठा लिया, मे भी उसमें से हायर आपको कर रहे हैं। मुझे ये, मैंने नंबर शेयर कर दिया है, मुझे तुम जेडी शेयर करो, कुछ नोट्स रहेगा मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इनका कुछ एक्चुअली फिक्स नहीं है कि अभी जो तुम काम बता रहे हो काम इनका है नहीं, तो इसलिए तुम भेजो तो मैं देखता हूँ सर शायद कुछ। रेवेट काफी प्रोफाइल पे काम कर रहा है, जैसे सोलर में भी रेवेट अच्छा ग्रुप काम कर रहा है सोलर में रेविट के भी। बहुत बड़े, रेविट वॉश हो चुका है एकदम से, ठीक है? लेकिन सामने वाली कंपनी क्या पूछ रही है वो मैटर करता है, ठीक है? ठीक, चलेगा मैं आपसे आपको जीडी बिल्कुल, शेयर शेयर करूंगा शेयर मैं कर दो, आपको। मैं उसमें उसके अकॉर्डिंग, मेरे पास नोट्स रहेंगे, मेरे पास हर चीज का नोट्स है, बीम के पूरे इंटरव्यू का नोट्स है, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, ओके जी, ठीक है गाइस, फिर हम लोग आज अलविदा लेते हैं। देखते हैं अगर नेक्स्ट संडे को फ्री रहे तो कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात होगी। होप थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा आप लोगों ने, आपका समय मैंने जाया नहीं किया होगा। और सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार्स, अगर आप लोग 16 अप्रैल को मिलेंगे तो वहाँ पर भी मुलाकात होगी। चलिए।